الفاتحة. صلى الله على النبي وصحبه اجمعين. برحمتك يا ارحم الراحمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بفضل بسم الله الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والبرهان الرشيد: واعتصموا بحبل الله جميعا. وقال الله تعالى في المقام الآخر: الشاكرين. والحمد لله وملائكته يصلون
الحسنين وسلموا تسليما. اللهم صل على وسيدنا ونبينا وحبيبنا وشاهدنا وأنثانا وذكيرنا ومغيثنا ومعيننا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. अल्हम्दुलिल्लाह, अमीरों के मुश्किल कुशा गौसे आजम, अमीरों के मुश्किल कुशा गौसे आजम, फकीरों के हाजत रवा गौसे आजम, फकीरों के हाजत रवा गौसे आजम, मुरीदों को खतरा नहीं बहरे गम से, मुरीदों को खतरा नहीं बहरो गम से के बेड़े के हैं ना खुदा हौस आज़म, के बेड़े के हैं ना खुदा हौस आज़म, जिसे खल्क कहती है प्यारा खुदा का, जिसे खल्क कहती है प्यारा खुदा का, उसका है तू लाडिला हौस आज़म, उसका है तू लाडिला गौस आजम। वाह क्या मरतबा गौस है बाला तेरा, वाह क्या मरतबा गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, तुझसे दर, दर से सग और सग से है मुझको निस्बत। सग कहते हैं दर के कुत्ते को, तुझसे दर, दर से सग और सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दौर का डोरा तेरा, मेरी गर्दन में भी है दौर का डोरा तेरा। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुतबे मसनूना के बाद मैं कल जो गुफ्तगू इनकम्प्लीट रखा था, आज इंशाल्लाह उसको कम्प्लीट करने की सआदत और कोशिश करूँगा। हाज़रीन इकराम, अल्लाह सुबहान ताला के बारे में कल हमारा ये मौजू था कि अल्लाह ताला अपने बंदों को लावारिस नहीं छोड़ता, अल्लाह ताला ने हर कदम पर हमारी रश्क व हिदायत के लिए अपने मुकर्रबीन, अपने नेक सालिह बंदों को हमारी मदद के लिए अल्लाह ताला बार वक्त ज़रूरतन फ़ज़रूरतन अल्लाह उनको भेजता रहा और हम लोगों को कुफ्र और शिर्क के और जुल्म के अंधेरों से निजात फरमाता रहा। हाज़रीन इकराम, अल्लाह सुबहान ताला ने दुनिया को जब पैदा फरमाया तो इसमें अल्लाह ताला की एक हिकमत पोशीदा थी। अल्लाह ने कुरान मजीद बुरहान रशीद के अंदर इशार फरमाया, फ़ैज़ क़ाला लिल मलाइकती इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, अल्लाह ने अपने ख्याल का इजहार फरमाता हुआ फरिश्तों से मशविरा किया कि मैं ज़मीन के तरफ मेरा एक नायब खलीफा भेजने वाला हूँ, तुम्हारी क्या राय है? तो अल्लाह सुबहान ताला से फरिश्तों ने कहा, ए अल्लाह, वो खून खराबे और परेशानियाँ लाहक करेगा, फसादात पैदा करेगा, झूठ फसादात खून रेजियाँ, हक मारेगा, मजलूमों पर जुल्म करेगा, गरीबों पर और यतीमों का माल दबाएगा और हराम कारियों में, शराब खोरियों में, तमाम मामलात में वो इंसान जूझ कर रह जाएगा। ए अल्लाह, फितने फसादात को वो आगाज़ करेगा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया,
तुम लोग वही नहीं जानते जो मैं जानता हूँ। तो अल्लाह तबार ताला ने दुनिया को बनाया, कई हज़ारों साल तक इस ज़मीन के ऊपर जिन्नातों का बसेरा रहा, जिन्नातों की आमद रही, जिन्नातों का ख़ानदान बसता रहा, जिन्नात और शयातीन इस दुनिया में जिन्नात और शयातीन आकर कब्ज़ा करते रहे और उन्हीं का राज यहाँ चलता रहा। इंसानों से पहले की बात है। फिर जब वो लोग खून रेजियाँ करने लगे, ख़त्ल और गारदगरी करने लगे, लोगों में फितने और फसादात पैदा करने लगे, तो अल्लाह का हुक्म अदल हुआ कि फ़रिश्तों से कहा, जाओ जिन्नातों को मार दो। जहाँ जहाँ जिन्नात मिलते गए, उनके सर उड़ाते निकल गए। तो वो लोग जहाँ मौका मिला वहाँ छप गए, कोई पहाड़ों में छप गया, कोई समंदरों में निकल गया। तो अल्लाह ने कहा, जो छुप गए हैं उनको छोड़ दो, जो मिल गए हैं उनको कत्ल करो, ताकि आने वाले ज़माने वाले जिन्नातों को कत्ल करने की जब वजह पूछेंगे तो उनको पता चले कि जिन्नातों को हमने क्यों कत्ल किया। तो चंद जिन्नातों को अल्लाह सुबहान तआला ने छोड़ दिया और उनको क़ैद कर दिया गया। फिर उसके बाद कई हज़ारों साल के बाद ज़मीन आबाद हो गई, सबसे अब मखलूक़ात है। फिर अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाया और उसके बाद उनको दुनिया में भेजा, जो कल आपने पूरा वाक़िया समाप्त किया है। तो मैं थोड़ी सी झलक देकर अपनी बात को आगे ले जाऊंगा। फिर उनको यहाँ पर छोड़ा दुनिया में आने के बाद आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल फैली, ख़ानदान फैला, कबीला फैला। आदम अला नबी अलैहि सलातो तस्लीम पूरी ज़िंदगी अपनी कौम की, अपनी औलाद की रश्को हिदायत पर मामूर थे। कभी भी देखिए, अल्लाह ताला जब किसी नेक और मुकर्रब बंदे को भेजता है ना, नेक और मुकर्रब बंदे को जब दुनिया में भेजता है ना, तो अल्लाह का ये वाहिद मकसद होता है कि वो मेरा बंदा मेरे बंदों की रश्को हिदायत करे। ये अल्लाह की आदत करीमा है कि अल्लाह ताला हर ज़माने में पैगंबरों को भेजता रहा। उनका काम था तबलीग करना, लोगों को बुराई से रोकना, हरामकारी से रोकना, बदकारी से रोकना, बदफ़ेली से रोकना। अब वो रोकते 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 फिर हज़रत हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने तक जब आए, तो अब सारे अम्बिया का दौर ख़त्म हो चुका और कोई नबी आने वाले नहीं है। अब हमारे नबी आखिरी नबी है। क्या है? हमारे नबी आखिरी नबी। सारे नबूवत के दरवाजे बंद हो चुके हैं। मा कान मुहम्मदिन अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। अल्लाह ताला ने नबी को खातमियत का ताज पहनाकर दुनिया में मबऊस फरमाया। तमाम अंबिया के जो भी रास्ते थे, नबूवत के दरवाजे थे, सब बंद। अब आखिरी नबी हमारे नबी आने के बाद अब कोई शरीयत नहीं आएगी, कोई किताब नहीं आएगी, नबी आ गए, ख़त्म। अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने ये दीन को आप पर मुकम्मल फरमा दिया है, अब इसमें कोई गुंजाइश नहीं। अल्लाह ने फरमाया अकमल तो, ये दीन यहां मुकम्मल हो चुका, अब इसमें कोई चीज की गुंजाइश नहीं, अब इसमें कोई नई शरीयत नहीं आएगी। कयामत की सुबह तक शरीयत मोहम्मद नाफिज होगी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दीन हक चलेगा, इस्लाम चलेगा, कोई और चीज नहीं चलेगी। अब जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए। 22-23 साल की जिंदगी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुजारी। मक्के की जिंदगी सरकार ने 13 साल गुजारी। मदनी जो जिंदगी है सरकार ने 10 साल गुजारी। दोनों मिलाकर 13 और 10 बिस पर 3 साल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबुवत के बाद जिंदगी गुजारी। बाज लोगों का ये इख्तलाफ रहता है कि अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 40 साल के बाद नबुवत अता करी। ये कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है जिनको पोस्टिंग मिलेगी एग्जाम पास होने के बाद। मेरा नबी वह सुप्रीम लीडर है
जिसको मानने से बाकी पिछले अंबिया को अल्लाह ने नबुवत दी है। अल्लाह ने बाकी अंबिया को मेरे नबी पर ईमान लाने पर अल्लाह ने नबुवत दी है, तो मेरे नबी को नबुवत की बात क्या है? छोटा सा इख्तिलाफ लो, कहते 40 साल के बाद अल्लाह के नबी को नबुवत मिली है, तो इसमें लॉजिक एक बात बता दूं, 40 साल के बाद नबी को सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबुवत मिली थी ना, तो अल्लाह तबार ताला नबुवत जब देता है तो इससे मुराद, बहुत से लोग कहते हैं कि जब फरिश्ते वही जिब्रील इस्लाम जब आकर वही कहते हैं, वही करते हैं, वही देते हैं, तो उसी वक्त उनको नबुवत का ऐलान होता है। तो ज़रा एक बात को आप मद्देनज़र रखें, अंबिया इकराम को अल्लाह ताला अज़ली नबी बनाकर भेजता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पूछा गया, जब बीवी मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कुवारी माँ कुवारी औरत जब बच्चे को लेकर आई ना, 3 दिन के बच्चे को, तो सारे लोगों ने कहा तू बदकारा है, तू ऐसी है, तू वैसी है, तुझे किसी मर्द ने छुआ तक नहीं, तेरी शादी भी नहीं हुई तो तुझे बच्चा कहाँ से हुआ? तो अल्लाह ने कहा ऐ मरियम तमाम लोगों के सवालों पर चुप हो जा, जवाब ना दे, चुप हो जा, जवाब ना दे, खामोश हो जा, जो भी तुमसे सवाल पूछा जाएगा इस बच्चे की तरफ इशारा करो, कहना कि मेरे मुंह का रोजा है, आज मैंने रोजा रखा है, किसी से बात नहीं करूंगा। तो जब वो बच्चे की तरफ सारे लोगों ने इल्ज़ाम लगाया, बच्चे को माँ को बदकारा कहा, पूछा कि बच्चा कहाँ से आया, कैसे आया, बता तूने किससे मुँह काला कराया, नऊज़ बिल्लाह, न जाने कई कई अल्फाज़ात से उनको परेशान किया, तो उन्होंने इशारा किया हुक्म रब्बी पर कि इस बच्चे से पूछो। तो सारे लोगों ने कहा यह छोटा बच्चा क्या जवाब दे, 3 दिन का बच्चा कोई बात करता है भला? तो कहा तुम पूछ लो इस बच्चे से, इस बच्चे को पूछ लो। जब पूछ लिया ना कि बता बच्चे तेरा बाप कौन है, तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा मैं अल्लाह के हुक्म से पैदा हुआ हूँ, अल्लाह का नबी और अल्लाह का बंदा बनाकर भेजा गया हूँ, और मुझे किताब अता की गई है जिसका नाम है इंजील। 3 दिन का बच्चा कलाम किया, तो सारे लोगों परेशान हो गए। अब जरा यहां पर एक बात बताऊं, ईसा अलैहिस्सलाम 3 दिन के बच्चे जब कलाम कर कहने लगे अना नबीउल्लाह, मैं अल्लाह का नबी हूं और मुझे किताब अता की गई है इंजील, तो जो ईसा अलैहिस्सलाम जिस पर ईमान लाए तो उनको नबुवत मिली, तो वह 3 दिन में बच्चे को नबुवत मिल गई है, हालांकि वह अभी बच्चे हैं, छोटे हैं 3 दिन के, तो जब उनको नबुवत मिल सकती है तो उनके भी जो इमाम है उनको 40 साल में नबुवत कैसे मिलेगी? थोड़ी सी लॉजिकली बात, हम लोग ये नहीं कहते कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 40 साल में नबुवत मिली, बल्कि अहले सुन्नत व जमात का यह अकीदा है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 40 साल के बाद नबुवत का इजहार करने का हुक्म हुआ है, ऐलान नबुवत। मिलना और चीज है, जो पहले नहीं थी वही तो मिलेगी ना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबुवत मिली है, इससे मुराद क्या है कि पहले नबुवत नहीं थी बाद में मिली। अगर से ऐलान नबुवत फरमाएंगे तो इससे मुराद क्या है, पहले से भी नबी थे, वक्त नहीं मिला था, अल्लाह ताला ने 40 साल के बाद हुक्म फरमाया तो ऐलान नबुवत फरमाया। यह बात समझने वाली बात है। थोड़ा सा जब कलम लिखा जाए ना, पेन पेपर लेकर जब नबी की बात आती है ना, तो थोड़ा डर कर अदब से लिखना चाहिए, जो दिल में आए वो लिखने की जरूरत नहीं है, ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह है, यहां थोड़ी सी भी गुस्ताखी हो जाए तो अल्लाह ताला ईमानों को जब्त कर देता है। अदब से लफ्जों का एहतियात के साथ इस्तेमाल करें। अब इससे मालूम हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबुवत फरमाया, और मक्कतुल मुकर्रमा की मक्की जिंदगी में शरीयत अहकाम शरीयत नाजिल नहीं हुए। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीनतुल मुनव्वरा गए तो वहां शरीयत मुहम्मदी नाफिज हुई, अल्लाह ने अहकाम शरीयत नाजिल फरमाया, शरीयत के अहकाम नाजिल फरमाए, सरकार ने बाकायदा हुकूमत और सल्तनत इस्लामिया को नाफिज फरमाया।
और सरकार किसी का मार खींचने के लिए जंग नहीं लड़े, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जंगें लड़ी हैं दिफा के लिए लड़ी, नहीं लड़ते तो इन पर हमला कर देते। कुफार तो मदीने तक तो पहुंच गए थे, जंग खंदक जो हो गई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को बुलाया, कहा कुफार खरीब है, हम इतना जल्दी लोगों को जमा कर कर मदीने के बाहर नहीं निकल सकते, वो आकर शहर पर हमला कर देंगे, तो क्या किया जाए। तो सहाबा ने मशवरा दिया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये काम करते हैं, मदीने के गोल इर्द गिर्द खंदक खोद देते हैं। खंदक खोदा, उसमें लकड़ियां डाली, आग डाली, जला दी, कुफार आजिज हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दिफा के लिए काम किए, और इस्लाम तलवार के जोर पे नहीं बल्कि मोहब्बत से, अमन से, सलामती के साथ फैलता है। अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत की हिदायत करने के लिए आए, आखिरी नबी, और सरकार ऐलान नबूवत के बाद 40 साल सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान नबूवत से पहले की ज़िंदगी थी, और 23 साल ऐलान नबूवत के बाद की ज़िंदगी, पूरे 60+3 साल की ज़िंदगी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुजरी, और 23 साल में सिर्फ सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा दीन समझा दिया। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 23 साल आज तक दुनिया में देखो करोड़ों मुसलमान नजर आ रहे हैं। अल्लाह ने मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गायब कैसा अता फरमाया है, वअल्लमका मा लम तकुन तअलम, इसका तर्जुमा इसी से होता है, कोई है भला जो इतने विदिन शॉर्ट टाइम के अंदर 23 साल के अरसे में पूरे दुनिया के अंदर इस्लाम फैला दे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र तो 900 साल थी, 900 साल उन्होंने तबलीग की तो 40 मुसलमान बने। कई पैगंबरों ने कई कई साल लगा दिए, कोई 10 बने, कोई 15 बने, कोई 20 बने, लेकिन आपके और हमारे आका की तबस्सुम वाला चेहरा देखिए, वो प्यारे जुल्फे वाले आका, वद्दुहा वल्लैल वाले जुल्फे वाले आका, जब मुस्कुराते तो खबीले खबीले इस्लाम कबूल कर लेते, जब गुफ्तगु फरमाते तो कबीले इस्लाम कबूल कर देते, जब नजर करम फरमाते तो कबीले इस्लाम कबूल कर देते, जब मुस्तफ़ा चलते तो मुस्तफ़ा की चलन को देखकर लोग इस्लाम कबूल करते, मुस्तफ़ा के बैठने के तरीके को देखकर लोग इस्लाम कबूल करते। अरे कोई डॉक्टर मुस्तफ़ा के बारगाह में आकर और तबीब इलाज करने के लिए आता तो कलमा पढ़कर मुसलमान होकर जाता था। मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत की शान करीमी, शान शौकत क्या थी, सरापा मौजिजा मौजिजा मौजिजा, सर से लेते हुए कदम मुबारक तक मुस्तफ़ा जान रहमत का पूरा जसद मुबारक मौजिजों से, सरकार की हर अदा मौजिजा था। अब हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबस्सुम फरमाते हैं। ये खबीले के पास गए थे ना, एक वाकया मशहूर है, मैं उसूल बरकत के लिए बता दूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरादा हुआ कि भाई जाओ छोड़ा हवाखोरी, बाहर जाकर थोड़ा घूम के आएंगे, तो हुजूर निकले तो मदीने के बाहर ये कबीले वालों ने पड़ाव डाला था, कहीं जा रहे थे वो सफ़र के दौरान, उन्होंने वहाँ पर रुके, पड़ाव डाला उसमें रुके। इतने में हमारे और आपके नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए, जाकर चल लोगों से कहा कि भाई ये ऊँट मुझे पसंद आ गया है, बेचते हो? शायद उनको बेचना था या नहीं, उन्होंने जब नबी का वद्दुहा वाला मुखड़ा देखा ना तो कहा हाँ बेचते हैं। गोया कि उनके चेहरों से पता चला था, हबीब ऊंट का क्या पूछते हो, तुम हमसे पूछो ना, हमने हमारे दिल तुम्हारे ऊपर बेच दिए। हुजूर को ना सबसे बड़ा अल्लाह ताला ने एक सबसे बड़ा इनाम अता किया था, हुजूर सामने वाले को अपना करना जानते थे, वो चाहे नबी का कई भी दुश्मन हो, जब सरकार के पास आ जाता है ना तो हुजूर के कदमों में अपने सर झुका देता है। तो हुजूर ने कहा कि ये ऊँट बेचते हो? बोले हाँ बेचता हूँ। कितने के बेचते हो? इतने का मानता ही हो गया। हुजूर ने कहा कि मैं तिजारत के गर्ज से तो नहीं आया, बस ऐसे ही टहलता हुआ आ गया, तो मैंने देख लिया कि ऊँट पसंद आ गया है, तो मैं काम करता हूँ ऊँट ले जाता हूँ और मेरे पीछे ही माल भेज देता हूँ जो कीमत तुमने कहा। बोला ठीक है। हुजूर ऊँट को लेकर जा रहे थे ना, जब तक हुजूर जा रहे थे तो सारे लोग हुजूर को देख कर कहते, कोई कहता था हाय यार कोई फरिश्ता था क्या,
तो दूसरा कहता है यार मुझे तो पता नहीं, मैं तो उसके बालों की जो फेरा फेरी होती थी ना घुंघरू बाल, उसके हुस्न को देखकर उसमें ही मगन था। कोई कहता है अरे यार तूने उसकी बहुएं देखी, दोनों बहुएं दिखने को तो अलग अलग दिखती थी, जब खौफ से देखते थे यार दरमियान में भी मिली हुई नजर आती थी। कोई कहता था यार मुझे ये सब खबर नहीं, मैं जब ने देखा ना कि वो जब जब भी बात करते थे ना उनके दंदाने मुबारक से नूर की किरणें निकलती थी, जो पहाड़ के ऊपर अक्स पड़ता था मैं उसके नूर में खोया हुआ था। अब ये तारीफें करने लगे हुजूर की। अब जब सरकार एक हद के बाद जाने के बाद आंखों से ओझल हो गए, जाहिर सी बात है थोड़े दूर जाने के बाद सरकार नजर आना बंद हो गए, तो आपस में लोगों ने कहा यार कोई जानता है इसको? बोला नहीं, तू नहीं। अरे यार बिना जाने कोई जान पंतार कुछ भी नहीं, ऐसा ही इसको बेच दिया ऊंट, हमारा ऊंट खामखा खराब हो गया, हमारा नुकसान हो गया। तो किसी ने कहा यार उसका हुस्न देख, हम लोग उसके हुस्न में इतने डूबे होते हमको पता ही नहीं चला कि एड्रेस भी लेना था। जब कोई तिजारत का माल होता है उधार लेता है तो एड्रेस वगैरह तो लेता है ना भाई, यार हमारे हुस्न में था। जब लोगों में गुफ्तगु हुई ना शदीद गुफ्तगु, यार हमारा ऊँट चले गया, पता नहीं वो कहाँ से आया था, कैसा आया था, ऊँट लेकर चले गया, तो वो कबीले की सरदार की बीवी अंदर से खैमे के अंदर से सारा वाकया देख रही थी। तो उसने पर्दा हटाकर कहा ओए खबरदार, अगर से उसके पास से कोई जवाब ना आया ना तो माल मुझसे ले जाना। सुभान अल्लाह। लेकिन उस हुस्न वाले के पास नाम क्या रखा था सरकार का, तो नाम वो लोग नहीं जानते थे। तो लोगों ने क्या कहा, वो हुस्न वाले के बारे में कोई और अल्फाज ना कहना, कोई अल्फाज ना कहना। तो सारे लोगों ने ठंडी सांस लेकर कहा हाँ अच्छा अच्छा मालिकान जानती है। कहा कि आप जानती हैं उसको, तो पहले बोल देना था तो ठीक है मसला। कहा मैं भी नहीं जानती। सुभान अल्लाह। कहने लगा तुम भी नहीं जानती? बोले फिर कैसे उसके पीछे माल देने? अरे यार तुमको नहीं पता इतना प्यारा मुखड़े वाला कभी धोखा दे सकता है? सुभान अल्लाह। कभी झूठ बोल सकता है? इतनी बात होनी थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला ना आए, आकर कहने लगे वो कबीले वाले कौन है जहां से हमारे नबी ने ऊंट खरीदा था? तो कहा हम हैं। कहा लो ये तुम्हारी कीमत। तो कबीले वाले सारे आकर कह रहे वो कौन है? कहा वो हमारे नबी हैं। कहाँ है? मदीने में। कीमत रखो अपने पास, हमें ले चलो। सुभान अल्लाह। हमें ले चलो। तो हुजूर के पास जब निकले ना पूरे कबीले वाले, तो कहाँ है? मस्जिद नबवी के अंदर। अंदर जाने लगे तो ऐसा सरकार बैठे हुए थे जिस तरह चांद चौदहवीं रात का बैठा हो। सुभान अल्लाह। जिस तरह चांद आसमान में चौदहवीं रात का चांद पूरी लाइट खत्म होने के बाद आसमान में जो नूर की शुआएं फैलाता हुआ नजर आता है, मेरा नबी उसी तरह हिदायत का नूर फैलाता हुआ नजर आ रहा है। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे तो पूरी जमात आ गई, पूरे कबीले वाले आ गए। गए थे तिजारत के वास्ते, गए थे माल के ऊंट लेने, लेकिन देखो गए थे ऊंट खरीद रहे, यहां तो पूरा कबीला खरीद के लाल गए। वो आए आकर कहने लगे क्या तुमको कीमत नहीं मिली? क्या अबू बकर तुमने कीमत नहीं दी इनको? कहा या रसूलल्लाह देने तो गया था लेकिन वो लिए नहीं। वो कहने लगे आपके दीदार के मुश्ताक हैं तो मैं लेकर आया आपकी खिदमत में। कहा क्या चाहते हो, और माल चाहिए? कहा हबीब हमको माल ऊंट का नहीं चाहिए, वो तो छोड़ो, आपने ऊंट को क्या, ऊंट के बहाने से हम सबके दिलों को खरीद लिया है। या रसूल अल्लाह हम आपके कदमों पर आए हैं, हमें भी कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना लीजिए। मुस्तफा जाने रहमत की एक झलक पूरे खानदान के खानदान मुसलमान बन रहे हैं। मुस्तफा की गुफ्तार खानदान के खानदान मुसलमान बन रहे हैं। ये जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब इतनी रश को हिदायत करे मुस्तफा। आपने कुरान मजीद में एक वाकया सुना होगा, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने में एक वली थे। कुरान में उसका जिक्र है। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि बिल्किस का तख्त कौन लाएंगे, तो सारे जिन्नात ने कहा कि हम लाएंगे एक दिन में आधी मुसाफियत में। तो कहा सुलेमान ने कहा कि इससे भी तेज चाहिए, इससे भी तेज। कुरान में जिक्र है। तो
जो सुलेमान अलैहिस्सलाम में के ज़माने में वली थे वो उड़ गए, उठकर कहने लगे अरे सुलेमान मैं लाऊंगा। कहा कि कितने देर में? कहा तुम पलक झपको मैं लेकर आऊंगा। और आपके मालूमात के लिए बता दूं, बिल्किस का तख्त था वहां से एक महीने से या दो महीने की मुसाफिर, और वह 7 कमरों के अंदर बंद था। कितने? 7 कमरे, बड़े बड़े कमरे, 7 दरवाजों के अंदर। और वह तख्त इतना चौड़ा इतना लंबा, इख्तलाफी रिवायत, बाज़ों ने 70 गज 80 गज लिखा है, बाज़ों ने 112 गज भी लिखा है। हीरे जवाहरात चढ़े हुए थे। अब जरा बोलो, 2 महीने के सफर में 7 कमरों के अंदर से पलक झपकने तक उतना बड़ा तख्त उठाकर कैसे लाए होंगे? उन्होंने कहा पलक झपकने तक लाऊंगा। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने आंख बंद करके खोली तो तख्त सामने है, कुरान में मौजूद है। तो यहां बाबा एक छोटा सा नुक्ता बयान कर रहा हूं, सुलेमान नबी का एक उम्मती तख्त लाए बिलकीस का, अल्लाह कुरान में आयत बनाकर नाजिल करे, तो लोगों को कोई शिकवा नहीं। मेरा पीराने पीर 12 साल की कश्ती निकाल दे तो लोगों को शिकायत शुरू हो जाती है। मेरी छोटी सी बात, कुरान बता रहा हूं भाई, बिलकीस का तख्त, बल्कि कुरान ऊपर बता रहा है। जब अल्लाह ताला ने यह बताया कि जबूर का मानने वाला, दाऊद नबी पर ईमान रखने वाला एक उम्मती बनी इसराइल का, किताब पर ईमान रखने वाला, पलक झपकने तक 1-2 महीने माह की मुसाफियत में रहने वाला, 7 कमरों के अंदर बंद, इतना बड़ा तख्त उठाकर एक पल में लाकर रख सकता है, कुरान कह रहा है लाकर रख दिया। जब उन्होंने तख्त लाकर रख दिया तो मुझे बताओ, जबूर के मानने वालों का ये आलम है तो कुरान के मानने वालों का आलम क्या होगा? कुरान के मानने वालों का काम क्या होगा? बनी इसराइल में रहने वाला एक उम्मती, बनी इसराइल वाला एक उम्मती, जबूर पर ईमान रखने वाला, तौरात पर ईमान रखने वाला एक उम्मती, जब इसका यह मकाम है, कई महीने की मुसाफियत में रहने वाला तख्त लाकर एक पल में पहुंचा देता है, तो मुझे बताएं उन तमाम नबियों के इमाम, इमामुल अंबिया, इमामुल अंबिया, और कुरान तमाम किताबों की सरदार, उम्मत मुस्लिमा तमाम उम्मतों की सरदार। अब उन उम्मतों में सिर्फ उम्मती का जिक्र हो रहा है, मैं यहां पर और एक बात क्लियर कर दूं, यहां सिर्फ उम्मती का जिक्र नहीं, यहां उस शहजादे नबी का जिक्र हो रहा है जो नबी की औलाद से है। हुजूर सैयदना गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी उन्हीं की औलाद से, नबी की औलाद, कुरान पर इल्म रखने वाले और नबी के शहजादे और वली कामिल, तो इनका मामला क्या है? तो इनका मामला वही है कि जब कहते हैं कुम बिजनी तो मुर्दे उठकर सलाम करने लगते हैं, और जब कहते हैं कि आ जा तो डूबा हुआ कश्ती का जहाज 12 साल का पलट कर आ जाता है। जब हुक्म दे देते हैं अपने नालायक आसमान में फेंक देते हैं, कहीं दूर रहने वाली मुरीद की हिफाजत फरमा देते हैं और कहीं इशारा फरमा देते हैं तो बादशाहों के तख्त उलट जाते हैं। ये वो शहंशाह बगदाद है जिसके मुरीद बनने पर हर मुसलमान फख्र करता है, क्योंकि हम किसी आयरे गायरे के पीर के पास मुरीद रहे बने, हम उस अब्दुल कादिर के चाहने वाले हैं जो बगदाद में रहता है लेकिन पूरे जहान पर हुकूमत करता है। मुआज़्ज़ज़ सामने इकराम, औलिया अल्लाह का जो मकाम अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, औलिया अल्लाह अल्लाह के वली होते हैं और अल्लाह भी उनका वली होता है। और अल्लाह ताला फरमाता है औलिया अल्लाह की एक और किस्म है, अला इन औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़रून। अल्लाह के वली वो हैं जिनको
ना आने वाले का खौफ होता है, आने वाली परेशानी से वो खौफ ज़दा होते हैं, ना गुजरे हुए हालात पर गम इजहार करते हैं। अल्लज़ीन आमनू व कानू यत्तकून, और वो कौन होते हैं? वो अल्लाह के नेक बंदे, मुत्तकी और परहेज़गार होते हैं। मेरे अजीज, अल्लाह सुबहान ताला ने कुरान मजीद में जा बजा औलिया अल्लाह के बारे में, अभी मैंने खुतबा मसनूना में चंद आयात की तिलावत की है, वअतसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअ, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो। ये अल्लाह के वली कौन होते हैं? ये उम्मत के मददगार होते हैं, उम्मत के रखवाले होते हैं, उम्मत को अल्लाह के हुक्म से हिदायत याफ्ता बनाने वाले, हिदायत देने वाले, और उनको गुमराही से बचाने वाले, हर परेशानियों से, हर मुसीबतों से बाहर निकालने वाले। बोलेंगे अल्लाह सब कुछ करने वाला, बेशक बेशक अल्लाह की जात है जो हर कुछ करने वाली है। एक छोटी सी मिसाल दे दूं, हालांकि ये मिसाल बहुत छोटी है लेकिन हमारे मोरट दिमागों में समझ में आने के लिए छोटी सी मिसाल दूं। एक इंजीनियर को हमने बुलाया या एक मिस्त्री को हमने बुलाया कि भाई हम घर बनाना चाहते हैं, तो वो मिस्त्री घर बनाता है, तो मुझे ज़रा बताओ, छेनी हथौड़ी लेकर वो मिस्त्री घर बनाता है कि उसके पास रहने वाले काम वाले बनाते हैं? बोलिए ना जी। जी पूरा घर बन गया तो मिस्त्री कहता है मेरा घर है, मैंने बनाया है। वो नहीं, ये नहीं कहता ना कि फलाने फलाने मेरे कारीगर ने बनाया है। बनाया तो कारीगर ने है लेकिन उसका हकीकी बनाने वाला कौन है? मिस्त्री है। तो कारीगरों की तारीफ करेंगे, भाई तूने क्या घर बनाया है, तो तारीफ तो मिस्त्री की होगी ना, जो इंजीनियर होता है उसी की तारीफ होती है ना। मिसाल के तौर पर एक और मिसाल दे दो, जब बेटा काबिल बनता है ना, कामयाब, और दुनिया वाले जब लोग उसको तारीफ करते हैं ना, उसकी शान बयान करते हैं, उसकी इज्जत करते हैं, उसको बेशुमार इज्जतों से नवाजते हैं, तो गोया के बाप को ही इज्जत मिलती है ना, या बाप को ही ऐसा समझता है कि बेटे की इज्जत अलग है कि मेरी इज्जत अलग है। जब बेटे को लोग तारीफ करते हैं तो बाप का सीना चौड़ा हो जाता है फख्र से, कहता कि मेरा बेटा है। बेटे की तारीफ करना बाप की तौहीन नहीं होती, बल्कि कहने लगे भाई नकल का यह आलम है तो असल का आलम क्या होगा। तो जब औलिया अल्लाह की शान बयान होती है तो हकीकत में अल्लाह की शान, क्योंकि औलिया अल्लाह को औलिया बनाने वाला अल्लाह है। तो जब हम बुजुर्गान दीन की शान बयान करते हैं तो हम कोई खतावार नहीं है, हम औलिया अल्लाह की जब शान बयान करते हैं ये अल्लाह की तौहीद की बयान करते हैं, अल्लाह की शान ही बयान होती है। और सालहीन और नेक बंदे अल्लाह के वो होते हैं जो हर वक्त अल्लाह से खौफ जदा, आखिरत पर खौफ जदा, छोटी से गुनाह से भी खौफ जदा। दुनिया बड़ी मुश्किल की जगह है, यहां बेइज्जती से, जुल्म से, बेरगबती से रिश्तेदारियों को तोड़कर जीना बहुत आसान है, लेकिन उसके बरअक्स चलना बड़ा मुश्किल है। इज्जत के साथ, लोगों के दिलों को दुखाए बगैर, लोगों की इज्जत करते हुए, लोगों से मोहब्बत करते हुए, रिश्तेदारों का हक अदा करते हुए जिंदगी को लेकर चलना बड़ा मुश्किल है। आपको मालूम है औलिया अल्लाह में दो मकाम होते हैं, एक है मुहिब का, दूसरा है महबूब का। बेशुमार दर्जात हैं औलिया अल्लाह के, मैं मुख्तसर दो बातें बता रहा हूँ जो मेन इम्पॉर्टेंट है, बड़ा तवज्जो के साथ सुने आप। यहाँ से कोई छोटी मोटी बातें लेकर नहीं जाएंगे आप 11 दिन मुसलसिल आएंगे तो इंशाल्लाह मेरा यकीन है जब आप यहाँ से जाएंगे 11 दिन के बाद
आपके पास इतनी मालूमात तो जमा हो जाएगी कि आपको खुद पता नहीं चलेगा कि आपके पास इतनी मालूमात है। ये एक महबूब है, एक मुहिब है। मुहिब कहते हैं एक तरफा मोहब्बत करने वाला, अल्लाह से लो लगाने वाला। महबूब कहते हैं दोनों तरफा से मोहब्बत पाने वाला। बात महबूब और महबूब की आ गई है तो और एक खुलासा कर दूं, सुनेंगे? मोहब्बत तीन तरह की होती है। कितनी तरह की? तीन तरह की मोहब्बत होती है। इसमें एक मोहब्बत छुपी हुई जो हमारे बचपन में हो जाती है। मसलन हमारे बच्चे जिद कर देते हैं कि हमको वो चाहिए, हमको ये चाहिए, मुझे वो दिलाइए। अब बचपन में बच्चे खेल कूद करते थे, अब बड़े होने के बाद, एक उम्र आने के बाद, नौजवानी की उम्र आने के बाद उसके तरफ मुतवज्जे नहीं होते, तो जाहिर सी बात है उस मोहब्बत का एंड है। दो मोहब्बतें ऐसी हैं, एक मोहब्बत अकली, एक मोहब्बत कल्बी। क्या है? एक मोहब्बत अकली, एक मोहब्बत कल्बी। मोहब्बत अकली में क्या क्या आएगा और क्या चीज़ें आएंगी, बड़ी तवज्जो के साथ सुने। थोड़ा मुंडी इधर उधर भी आए तो आपकी तवज्जो हटी तो बातें दिमाग से निकल जाएंगी। बड़ी बातें बड़े ढूंढ ढूंढ के लाता हूँ आपको सुनाने के लिए, थोड़ा मेरी मेहनतों के ऊपर भी थोड़ा तवज्जो फरमाए, क्योंकि मैं मेरे शहर की आवाम से बड़ी मोहब्बत रखता हूँ। मुझे बड़े बड़े ऑफर्स आते हैं, बड़े बड़े ताल्लुकात आते हैं, मुझे बुलाया जाता है कि आप हमारे शहरों में आएँ तकरीर करें। मैं बड़े अदब के साथ उन लोगों से माजरत ले लेता हूँ क्योंकि मुझे मेरे शहर में वक्त देना है। आपको शायद मालूम भी होगा मैं मेरे शहर से ज़्यादा बाहर रहना भी पसंद नहीं करता, ज़्यादा दिन बाहर भी नहीं जाता। मैं ज़्यादा कहाँ भी गया तो फौरन पलट कर आ जाता हूँ, क्योंकि अल्लाह ने हमारे लिए एक जिम्मेदारियाँ रखी हैं, तो मैं ये नहीं चाहता कि हमारी जिम्मेदारियों में कुछ कोताहियाँ हों। जहाँ तक मेरी कोशिश रहती है कि मैं मेरी जिम्मेदारियों को पूरी कर सकूँ, क्योंकि अवाम, जब अल्लाह ताला ने एक अवाम पर हमको सरदारी दी है, क़ियामत के दिन अल्लाह ताला उन अवाम के बारे में हमसे सवाल करेगा कि तुम्हारे सुपर्द अवाम थी, इन्होंने इस तरह का फेल किया है, तुम इसका क्या क्लैरिटी दोगे? अल्लाह जब हमसे सवाल पूछेगा तो हम जवाब कहाँ से देंगे? तो इस मामले में मैं बड़ा खौफजदा हूँ। ऐसा नहीं कि अब लोग हमारी मनमानी में चलें। मैं मोहब्बत, मोहब्बत अकली, मोहब्बत बोलिए कल्बी। कल्बी बोलते हैं दिल की मोहब्बत, अकली मोहब्बत माने दिमाग की मोहब्बत। दिमाग की मोहब्बत में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं सुन लीजिए। दिमाग की मोहब्बत में बीवी की मोहब्बत, बच्चों की मोहब्बत, दौलत की मोहब्बत, कारोबार की मोहब्बत, तिजारत की मोहब्बत, होदे की मोहब्बत, मकाम की मोहब्बत, घर की मोहब्बत, पावर की मोहब्बत, ये तमाम चीज़ें अकली मोहब्बत हैं जो कुल्लू मन अलैहा फान में आती, फना होने वाली है। कल्बी मोहब्बत, दिल की मोहब्बत, जो मोहब्बत का हकीकी मियार है, हकीकी मकसद है, मोहब्बत का हकीकी मिजाज है। और मोहब्बत का हक यह है कि कल्बी मोहब्बत की जाए। मोहब्बत पैदा ही हुई है कल्बी मोहब्बत के लिए। बाज लोगों ने इसको मोहब्बत बोले तो सब्जी ने क्या करके माना, बीवी से मोहब्बत, हाँ वो भी मोहब्बत ही, पैसे कमाना वो मोहब्बत, कारोबार मोहब्बत, बच्चे मोहब्बत ही, काम मोहब्बत, पूरे मोहब्बत आपको गज्जी बिजी कर रहा है। मिक्स मिक्सी में डाल, ग्राइंडर में फिराना, ग्र फिरा डाले, कन्फ्यूज है। मैं आज डिबेट करता हूँ, जरा सुनो, जरा सुन ले बात, मैं बयान देना उसे देखते हैं। मैं तो एक गैंग कौन तो देखो,
दरूद शरीफ पढ़े बाबा से बुलंद अल्लाहुम्म सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वकरम सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहब्बत अल्लाह ताला ने पैदा फरमाई है सिर्फ एक रीज़न से। हम लोग क्या करता है मालूम, बीवी बच्चे दौलत कारोबार दुनिया, ये मोहब्बत, ये भी मोहब्बत, अल्लाह के नबी से मोहब्बत, अल्लाह से मोहब्बत, औलिया अल्लाह से मोहब्बत, बच्चा से मोहब्बत, बीवी से मोहब्बत, दौलत से मोहब्बत, शौहर से मोहब्बत, सब मोहब्बत ही। लेकिन कौन सी मोहब्बत को किस मियार में रखा जाए किसी को नहीं पता। जो मोहब्बत के मुतमन्नी होते हैं ना, मोहब्बत कलबी के, आप बोलेंगे साहब इतने खुशी बोल रही मोहब्बत कलबी, मोहब्बत कलबी, वो क्या है? सुनो, मोहब्बत कलबी अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत है। मोहब्बत कलबी में ना बीवी आते ना बच्चे आते ना दौलत आती ना कारोबार ना तिजारत ना दुनिया ना धन ना दौलत, ये है मोहब्बत कलबी। मोहब्बत कलबी के बाद इनके लिए, जब इनके तवस्सुल से बीवी से मोहब्बत इनके लिए, बच्चों से शफ़क़त इनके लिए, कारोबार बच्चों बीवियों के लिए, इनके लिए जब काम किया जाए तो वो अखली मोहब्बत भी पाक कहलाएगी। क्या कहलाएगी? पाक। वरना बिस्मिल्लाह, अखली मोहब्बत नापाक कहलाएगी। बोलेंगे बीवी से मोहब्बत करना नापाक? जी नहीं, इस्लाम के अंदर मियार मोहब्बत का क्या है मालूम है? शादी के बाद मोहब्बत का है, शादी से पहले की मोहब्बत नहीं। इस्लाम का मियार, बहुत से लोग समझते हैं कि भाई पहले मोहब्बत करेंगे, थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, थोड़े मालूमात हासिल करेंगे, उसके बाद शादी करेंगे या नहीं करेंगे बात की बात। ये मोहब्बत नापाकी है। क्या है? नजस, नजस, नापाक, गलीज, गलीज मोहब्बत है, जो शैतान और शयूत के अंदर नापाकी और नजासत को दाखिल कर इंसान को गंदा और पलीत बना देती है। इस्लाम के अंदर औरत से मोहब्बत का मियार जो गैर मोहरिम औरत है शादी के बाद है। शादी से शादी से पहले जो लोग मोहब्बत के दावे करते हैं ना, ये लोग अपनी मोहब्बतों को नहीं, अपने आप को नीलाम कर रहे हैं, आखिरत की तबाही खरीद रहे हैं। शादी के बाद बीवी से मोहब्बत, और माँ की मोहब्बत, बहन की मोहब्बत, फूफियों से मोहब्बत, इनके आदाब है, ये सब अखली मोहब्बतों में शुमार होते हैं। सबसे पहले हर मुसलमान की तवज्जो होना चाहिए मोहब्बत कलबी की तरफ, और जो मोहब्बत कलबी में पहुंचते हैं तो वो किस तरह पहुंचेंगे? मोहब्बत कलबी हमको कैसे हासिल होगी? उसके लिए सबसे बड़ी चीज ये है, अल्लाह उसके रसूल की रजा हासिल करें। अल्लाह ताला जिस तरह कुरान मजीद में फरमाता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिउनी युहिब्बुकुमुल्लाह, तुम लोग मेरे नबी की पैरवी और इताअत करो, मैं खुद तुमसे मोहब्बत करूंगा। हुजूर की मोहब्बत में अल्लाह की मोहब्बत पोशिदा है। अब अल्लाह की मोहब्बत कैसे करेंगे? एक आसान सा नुस्खा आपको बता रहा हूं। मोहब्बत कलबी जो पा लेता है उसको अल्लाह का वली कहते हैं। यह हर मुसलमान का मकसद है। अब हमारे में सुबजने हैं, मेरा वली विजय, देखो किसी एक को उठाकर मैं पूछ लूं कि अभी तुम्हारा मकसद क्या है। कल भी मैं हमारे एक अजीज हमारे बच्चे से बोल रहा था, मोहब्बत का मियार क्या है, मकसद क्या है जिंदगी का? तो कोई कहेगा कि भाई घर लेना है, तिजारत करनी है, बिजनेस कमाना है, बैंक बैलेंस बनाना है, कारोबार अच्छा चलाना है, बीवी बच्चा को अच्छा देखना है, बच्चा को अच्छी आला तालीम दिलाना है, अच्छी बीवी मिलना है। ये जिंदगी का गोल नहीं है। मुसलमान को चाहिए कि गोल वो बनाए जो फना ना हो। बाकी के ये सब जरूरियात जिंदगी में से आते हैं, वो तो मिलेंगे ही।
आप अपने गोल की तरफ जाएंगे ना, बीवी भी मिल जाएगी, बच्चे भी आ जाएंगे, दुनियादारी भी आ जाएगी, दौलत भी आ जाएगी, सब आ जाएगी जो आपके जरूरत के हैं, अल्लाह ताला आप तक पहुंचाएगा। अल्लाह सुबहान ताला कुरान मजीद में फरमाता है, जो इंसान मेरे ऊपर तवक्कल भरोसा कर कर आगे बढ़ता है और मेरी राह में निकल जाता है उसका ख्याल मैं रखता हूं। आप सोचे भी नहीं होंगे, आपको मालूम है अबू सालिह मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह अलैह, हुज़ूर सैयदना गौसे पाक अलैहिस्सलाम के बाबा, ये एक नदी के किनारे बैठकर वजू बना रहे थे तो इतने में एक सेब चलता हुआ आया। एक हफ्ते या 10 दिन से भूखे थे हजरत, तो सेब निकालिए खा लिए। जब भूख मिट गई ख्याल आया कि सेब किसका है, बिना इजाज़त खा लिया। यहाँ तो बहनों का हक मार कर बैठे हुए भाया नजर आते हमारे जमाने में। मैं बोला कि भाई बहना को हक देना है, तो क्या हक, शादी करें ना उनको होगा, उनका हक होगा, आस्ती में वाटा गिटा क्या गिने। हजरत अबू सालिह मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह अलैह, पानी में आता हुआ सेब पता नहीं कितने किलोमीटर से आता है, उठा को खा लिया। ख्याल आया कि किसका है भाई, बिना इजाजत खा लिया। उठे सोच नदी के लंबे जाते लगे, जाने लगे। थोड़े दूर जाने के बाद नजर पड़ी हजरत की कि एक सेब का झाड़ नदी के तरफ झुककर था, उसमें से शायद पड़े। तो जाकर वो माली से पूछे कि ये बगीचा किसका है, कहा कि अब उस हजरत अब्दुल्ला रहमतुल्लाह, हजरत अब्दुल्ला सुमाई जो हुजूर सैयदना गौसे पाक अलैह रहमा के नाना जान हैं, वो भी अपने पाए तख्त के वली थे उस ज़माने में। जो अल्लाह के बंदे होते हैं उनकी अदाएँ भी निराली होती हैं। हमारे घर में क्या था, पानी में आया नहीं, कौन देखा नहीं ले, क्या है यार बड़ा बोलता है ले, कहीं के बाद हमारे घर अभी तो सेवा आती है, ठहर को देखूंगा। अब बेटे खाए अंदर गए, हजरत अब्दुल्ला सुमाई रहमतुल्लाह अलैह जिक्र में थे, इंतज़ार किया। जब बाहर आए तो कुछ हजरत माजरत चाहता हूँ, आप मुझे माफ़ फरमा दें। बोले किस मामले में, कहा हजरत बादशरा भी थे, आलिम दीन भी थे। कहने लगे हजरत मैं वो फलाने इलाके में वजू बना रहा था दरिया में, तो आपका सेब गिरकर तैरता हुआ आ गया, तो मैंने आपकी इजाज़त के बगैर खा लिया। शरीयत का मसला है, जब तक बगीचे में सेब रहेगा या दरख्त पर रहेगा उसके मालिक का हक रहता है, या दरिया में या किसी वजूहत के बिना से वो सेब वहाँ से निकल जाता है तो वो अल्लाह के हुक्म से हो जाता है, उस पर मालिक का कोई हक बोलिए शरान कोई ख़ता नहीं थी उनकी, लेकिन सूफिया थे, अहलुल्लाह थे। कहने लगे हजरत माफ़ी चाहता हूँ, तो उन्होंने हजरत मूसा अबू सालिह मूसा रहमतुल्लाह अलैह को नीचे से ऊपर तक देखा, क्योंकि हजरत की दुआ थी कि अल्लाह मेरी बेटी के लिए तेरा वली भेजना। हमारे आजकल के माया क्या दुआ कर दे, अल्लाह हमारे बच्चे को इंजीनियर मिलना, अच्छे पैसे वाले मिलना, अच्छे आस्ते ऐसे वाले मिलना, सास हनाच नहीं। अब भी डबल स्पेशल क्या मालूम, घर में नड़ाना छनाना, मेरी बच्ची थी कित जनी आना, एक कित बेटा हाँ बोलना छे राज्य मानता मन दे। जब हमारी दुआएं तो इस तरह की होती ना, होती नहीं होती, तो हजरत जब अल्लाह के वली दुआ करते हैं तो इस तरह दुआ करते हैं कि ए अल्लाह मेरी बच्ची को नेक वली, तेरा नेक वली अता फरमा। तो हजरत की दुआ थी। जब उन्होंने आकर पूछने लगे सेब के बारे में तो उनके दिल में ख्वाहिश जागी, ए अल्लाह शायद मेरी दुआ तूने कबूल की है, ये वही वली होगा। तो बेटी को देने से पहले हजरत बोले थोड़ा चेक कर लेंगे हम, क्योंकि गौसे पाक आना था ना, ऐसे जहरे गहरा के पेट में नहीं बैठा होते इतने बड़े बड़े वलिया।
कभी भी याद रखो, खेत में फसल अच्छी आना बोले तो जमीन अच्छी है ना, और बीज भी अच्छी है ना। बीज खराब है या जमीन गंदी है तो फसल अच्छी नहीं आती। तो बाप भी बेमिसाल, माँ भी बेमिसाल। तो हज़रत मूसा, अबू सालिह मूसा रहमतुल्लाह अलैह से कहा हज़रत अब्दुल्ला सुमाई ने, कहा मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर दूँगा। हालांकि शरान कोई ख़ता नहीं थी उनकी, कहा मैं माफ़ नहीं करूँगा हज़रत, मुझे क्या करना होगा, मैं थोड़े दिन तुम्हें खिदमत पर रखूँगा। क्या? खिदमत में रखूँगा, उसके बाद देखेंगे माफ़ी करना। तो हज़रत खिदमत करते रहे, खिदमत करते रहे, खिदमत करते रहे। एक रिवायत के मुताबिक 2 साल, एक रिवायत के मुताबिक 12 साल हज़रत ने खिदमत अंजाम दी। एक दिन हज़रत अब्दुल्ला सुमाई रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में मेहमान तशरीफ़ लाए तो हज़रत अब्दुल्ला सुमाई ने कहा अबू सालिह, ए मूसा जाकर सेब लाओ मेहमानों के लिए। हज़रत गए, सेब बोले तो मालूम नहीं आप लोगों को, एप्पल ले ले को आए। तो क्या देखते हैं हज़रत अब्दुल्ला सुमाई रहमतुल्लाह अलैह को जलाल आ गया, बोले कि तुमको अच्छे सेब लाने, इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं मेरे बगीचे में, तुमको मालूम नहीं पका हुआ सेब कौन सा है, कच्चा सेब कौन सा है, पूरे कच्चे उठा लाए, ये क्या सेब लाए हो? तो हज़रत अबू मूसा, हज़रत मूसा अबू सालिह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं हज़रत एक बार सेब खाने की गलती करे, 12 साल तक खिदमत करता हूँ, अब तक खिदमत में छू, जब से आज तक हंगिया उठाकर सेब की तरफ भी देखा नहीं, मैं कहीं हाथ बढ़ाई हूँ, तुम्हारा हुक्म था हाथ बढ़ाई हूँ, कौन सा हाथ को लगता गया कि डालता गया सेब है, देखा इसने मैं हाथ बंधा गया और सेब खेसता रहा डालता रहा, आपकी बारगाह में पहुँचा है। तो हज़रत को बड़ी खुशी हुई और कहा कि बेटा बहुत खिदमत कर ली है, लेकिन मैं तुम्हें माफ़ तो करूँगा लेकिन और एक शर्त है। बोले हज़रत बोलो। माफ़ कर दिया खयामत में, क्योंकि अल्लाह का वली वो होता है छोटे से गुनाह को भी पहाड़ से ज़्यादा समझता, हम लोग बड़े बड़े पहाड़ ने समंदरा के गुनाह पीले को भी, मेरा तब मुत्तकी कौन ने बोलो फिले दिखी माशरे में। यह दलिंदर को मालूम ही इसने, इसकी दलिंदरा की तरफ से गांव में बारिश पड़ती नहीं हो, फिर भी मेरा तब मुत्तकी परहेजगार कौन नहीं करता। हज़रत अब्दुल्ला सुमाई रहमतुल्लाह अलैह एक शर्त रखे उनके पास, रखकर फरमाया बेटा चल मैं तेरी खिदमत से खुश हुआ तुझे माफ़ करूँगा एक शर्त पर। क्या कहते? मेरी एक बेटी है उससे निकाह करना है, लेकिन वो अंधी भी है, बहरी भी है, गूंगी भी है, लूली भी है, लंगड़ी भी है, आँखों से देख नहीं सकती, कानों से सुन नहीं सकती, मुँह से बोल नहीं सकती, हाथों से पकड़ नहीं सकती, पवा से चल नहीं सकती। बोले हज़रत ठीक है मैं कर लूँगा, लेकिन आप तो मुझे माफ़ करेंगे ना, खयामत में तो मेरी पकड़ नहीं होगी। ये अल्लाह के वलियों का मिजाज होता है। ये वाक़िया हम लोग अब सुन ले हैं नसी 1 से 4 बार, हमें क्या भी दिखता नहीं, लेकिन जब फर्स्ट टाइम उन्होंने वो बातें सुने हैं दी हज़रत मूसा रहमतुल्लाह अलैह, तो उनके ऊपर क्या गुजरे है ना, एक नौजवान 25 पर 8 साल का नौजवान जिसे ये कहा जाए 12 साल काम करने के बाद एक सेब खाने की सज़ा, और कहा जाए कि बेटा तुझे लंगड़ी लूली अंधी बोड़ी और गूंगी बहरी बच्ची से शादी करेंगे तो माफ़ी मिलेगी, तो बच्चे के जज्बात कैसे होंगे? हमारे बच्चे तो डिमांड करते हैं ये काला कलोटा कौन सा आना था, बच्ची कहेगी गोरी मिलना इसे। हम ऐसे जग जिनी बेटी से मिलकर साहेब हमारे बच्चे को रिश्ते मिलते रहे, कहाँ तो मुरीदा में है तो देखो मैं साहेब, मैं बोला अच्छी बात है, मैं कैसा बच्ची होना तुम्हारा, जहाँ ऐसी बात है पूछ क्या नहीं साहेब, गोरी बच्ची होना बस, हमारा बच्चा जरा सौला काला, सौला काला भी बोलते हैं सौला काले, सौले की मीनिंग आज बदल रहा नहीं आजकल, काला भी नहीं सौला कर, अब काला बोले तो कोहेतुर को पहाड़ को बोलते नहीं क्या है, हमारा बच्चा जरा सौला है, बच्ची भी सौली की ना है तो आने वाले बच्चे काले पैदा होते सा है, उसको बच्ची गोरी है कौन बोले, बच्ची गोरी है तो भी बच्चे काले पैदा होने वाले भी हैं, अल्लाह ताला अता करने वाला है, जिसको जो कलर देना है, जिसको जो रंग देना है, जिनको लड़की देना है लड़का देना है, ये अल्लाह के कुदरत में है, तुम्हारे हमारे हाथ में किसके भी हाथ में नहीं है।
अच्छी बच्ची है ना, गुनी पड़ी है ना, उर्दू जरा नमाजा पढ़ लेते इस वाली है तो बस करे। अच्छा ये पूछने तक कीचड़, घर लग जा को शादी कर ले वैसा नमाजा पढ़ा दी ना, आगे बैठो सीरियल देखेंगे कभी। अब इस पर गुफ्तगू मैं बल्ला बार बारहा करूँ, मैं बोल कर आप लोगों को मूड ऑफ नहीं करना चाहता हूँ, मैं सिर्फ हंसने के वास्ते एक माहौल चल रहा आप में। अल्लाह के वलियों का मिजाज देखो, इनकी मेंटालिटी देखो, उसी को अल्लाह के वली बोलो। तो हमारे सोचांग बदलाना सबसे पहले, हम लोगों का सही बनना बोले तो हमारी सोच बदलो, सोच बदले तो पहले ये बदलना उसके बाद अमल बदलता। ये नहीं बदला है, ये नहीं बदल, सोच बदलना। अल्लाह के वलियों की सोच देखो, बोले हजरत क्यों, एक माफिया अगर से तुम्हारी नहीं मिल गई, मैं पूरी जिंदगी लंगड़ी लूली को बर्दाश्त कर ले सकता हूं, लेकिन खयामत में अल्लाह का ने पकड़ नहीं होना मुझे, उसके बाद से दुनिया में फैसला कर लेंगे। एक थे उमर इब्ने खत्ताब रजी अल्लाह तआला, ये वाकया को यहीं पर मैं आप रुका रहा हूँ, मेरी याद दिलाओ आपको। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला खलीफतुल मुस्लिमीन, अमीरुल मोमिनीन थे, दूसरे खलीफे, आदि दुनिया पर इस्लाम का झंडा नाफिज करने वाले उमर फारूक आजम, अदालत के शहंशाह। एक मरतबा रात में उनकी आदत थी, मदीने में दौरे लगाते थे फिरने के वास्ते, तो एक घर के ऊपर से गुजरे तो बच्चे की रोने की आवाज़ आती, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला सामने गए, जाकर दरवाज़ा खटखटा कर कहने लगे, अम्मा बच्चे कई रो दिए, सुलाओ। को तो भूख की वजह से कई रो दी बच्चे, भूख की वजह से रो रही, तो तू चूल्हे को क्या पका दी है? कहा फतरे दाल को, माँ फतरे भक्ति में आएगा ना बच्चा को तसली देने के वास्ते। अमीरुल मोमिनीन उमर से बोल डालना था, उसका नाम इसलिए ना मेरे सामने का थी, खयामत में मेरा हाथ उसका दामन था, हुजूर के सामने घसीट लग जाता हूँ उसे भी। बोलते में थर थर थर, अमीरुल मोमिनीन उमर इब्ने खत्ताब, जिनका ये खत पड़ा तो रुक्या हुआ सो समंदर बहने लगता दरिया, वो अमीरुल मोमिनीन उमर इब्ने खत्ताब, इतने अदालत के शहंशाह, ऐसे अदल इंसाफ वाले, हिरन शेर दोजले एक जगह पानी पीते थे, जमीन पर मारे तो जमीन पीस और तेल वापस कर डालते थे, उतने अदल इंसाफ वाले थर 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 कांपते। ये अल्लाह वालों की निशानियां हैं, वली की मेंटालिटी है। मैं खाली वाला के करामत सुन ले को, खाली हाँ सुबहानल्लाह सुबहानल्लाह, ये गौस है, वो कुतुब है, ये अब्दाल है, या अवताद है, वो ऐसे चले गए। ये अवलिया अल्लाह को इतना मकाम कहीं को मिला है, इनकी सोचें कैसी थी वो मैं आज, मैं मेरा उनवान कभी भी इतने सालों में रखा नहीं, शुरू से कल से आज तक सिर्फ मैं यही बात आपको समझाने आ रहा हूँ। गौस पाक की बात तो आगे इंशाल्लाह सुनेंगे हम, लेकिन पहले अवलिया अल्लाह कैसा वली बनती, उन्होंने किसे किस मराहिल से गुजरती, उनके सोच कैसी तब्दील होती, उनकी सोच कैसा आती आम लोगों से, उनकी सोच कैसा आम लोगों में और उनकी सोच में क्या डिफरेंसेस है। उमर इब्ने खत्ताब थर थर कांपते, दूसरे कौन कहते, हाँ जा जा बोले मरिया बोले से चले, उमर फारूक खास जल्दी 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 गए सोचो, माले गनीमत का दरवाजा खोल को, गुलाम आता क्या सर क्या होना, ठहर रहेगा बोले सर, आटे की बोरी लेती जरा सौदा लेती जरा सुक्का सौदा लेती हैं, जरा वो लेती हैं, जरा ये लेती हैं, मसाले लेती हैं, सौप ले सर, अरे उठा मेरे खंधे पर बोले सर उठा देता हूँ, हजरत मैं ले लेगा तो कहता हूँ खयामत में मेरा बोझ उठाता क्या कहते, बोलते मैं नहीं हजरत वहाँ किसका बोझ उन्होंने उठाना सर कहता, वहाँ किसका उन्होंने उठा लेना सर, यहाँ मेरा मैं ये उठा लेने दे बोल को उठा लेना। अमीरुल मोमिनीन जिनके नाम से कैसर कसरा जो सुपर पावर थी, अब कैसा अमरीका था कि अमरीका है कि वैसा उस जमाने में सुपर पावर्स कैसर कसरा, वहाँ के बादशाह उमर का नाम सुनकर कांपते थे, वो उमर फारूक आजम मोटा ढोले को जाती, हमारे गली का काउंसलर हो, कार को ड्राइवर रखता, खद्दर शर्ट पहन लेता, एकदम भंगे जूते पहले है ज्यादा, इसके जान की नीचे मेले है सर, काउंसलर हूं बंखा को जीता सवारा वोटा पैसे नहीं, उसका आलम क्या मालूम इलेक्शन से पहले, तू मेरा भाई तू मेरा चिच्चा तुम्हें हमारा बड़े बात तुम्हें आ रहा है हमारे घर में खेला तो था मैं बचपन यहाँ को सब बोलता, इलेक्शन है ऐसा
भाई हमारे गली में नल्लू खराब हो गया, नाले में का पानी मिल को आता है, नल में बांस मारती है, जब नल बदला भाई कुछ को गया तो नहीं गलो। रे तू नूच कह रहे हमारे घर के बाहर डर का अल्लाह के नाम पर एक वोट डालोगे तो मंगा सो आज कह रहे तू का तो डाउट आना इसे। हफ्ते अकलीम आधी दुनिया पर हुकूमत करने वाले, तीन बर्रे आजमों पर हुकूमत करने वाले हजरत उमर इब्ने खत्ताब, 23 लाख मुरब्बा मील, 2 लाख मुरब्बा मील पर जिसके हुकूमत थी, इस्लाम जिसके दौरे हुकूमत में वसात फैला, वो उमर इब्ने खत्ताब मोटा उठा ले जाती हैं बुड्ढी माँ कर, जाक बोलिए ले माँ कैसे क्या कहती हैं माँ को, लेकिन जल्दी जल्दी आटा देखो तू आटा गूंद बोले सही हम सब्जियाँ काटती हूँ बैठ कर जल्दी जल्दी सब्जी काटे फिर लेंगे आटा मंग लिया सोचो रोटी डाले सालन पकाए सब पका को बच्चा को गोद में बिठा ले को खला ही नोच खला को बाद में सब होया सब बच्चा को सुला दे दुआ दिए अल्लाह तुझे सलामत रखो अल्लाह तुझे अच्छा रखो तू ऐसा हमारे बच्चे हमारे भूख को ये करे बहुत दुआया दी। अब उन्हें खुश होगी क्या खुश होगी मांगो तो बहुत खुश होगी मुझे अल्लाह तेरी मगफिरत करे अल्लाह तेरे दर्जात बुलंद करे बड़ी बड़ी दुआएं दी। जब बोल दी उमर को माफ़ कर मांग दे बोल उसका नाम ही चलना मैं करे वो माँ साहब आपको उमर फारूक आलम को जानती नहीं थी नाम ही चलना को उसे माँ दिन सारी सुबह से फजर से लेते हुए रात के मगरिब तक इशा तक बड़े बड़े जंगे मराहिल में परेशान में इस्लाम की वसात में इस्लाम की कामयाबी में शरीयत को नाफिस करने में लग्या राता में देखा तो चक्करा निकालने में लग्या ना चैन की सुकून है ना चैन का पल है एक दो बार क्या तो भूल गया था माफ़ कर दाल नज़रअंदाज कर कर माफ़ करती नहीं तो उमर फारूक आजम ऐसा रोती घुटने में बैठ कर तो उनकी दाढ़ी पूरी आसमां से भीग जाती है इतने में मौला अली गुजरती वहाँ से मौला ए कायनात गुजरते हुए उमर को देखा उमर तुम कर दे बहुत ही बुढ़ी डर जाती है इन्हों उमर क्या करती हाँ मैं तुम्हें छोड़ती नहीं करती करते मैं हिचकियाँ मांग रोते बहुत मैं मौला अली की तरफ देखते रोते हुए चेहरे से बोलते अली जरा तुम्हें तो माफ करो बोलो अमीरुल मोमिनीन उमर इब्ने खत्ताब आदि दुनिया को हुकूमत करता है एक खत एक लफ्ज से हुकूमत अब पलट जाती उमर इब्ने खत्ताब का लश्कर आता है बोले तो बादशाह अपना तख्त छोड़कर भागते थे उतना पावरफुल लीडर सुप्रीम लीडर मुसलमानों का सबसे बड़ा लीडर उमर इब्ने खत्ताब बच्चा के नाथ सिस्किया मारकर होता है कई को मत ये छोड़ती नहीं खयामत में बोले सो सर ये अवलिया अल्लाह की मेंटालिटी छोटी सी गलती को भी वो बहुत बड़ा समझते हैं वो हमारी नजर में छोटी थी उनकी नजर में पहाड़ों से ज्यादा ऐसा रोती हालांकि वो गफलत भी नहीं थी उनकी उनकी जिम्मेदारियों की वजह से उनकी नजर नहीं पड़ी फिर भी क्या कर रही जिसमें उनकी खता भी नहीं उसे भी अपनी जिम्मेदारी समझ कर रो रही तो मौला अली बोलती है बड़ी मुश्किल में हम माफ़ कर डाल क्या भी नहीं उन्हें देख इतना करता है नहीं क्या आपसी का तुझे ये करता उस वाक्य के बाद हर दिन हर महीना उमर फारूक आजम बराबर उनके घर को जजिया पहुंचाते थे तो फिर मौला अली बोले अच्छा लो मैं माफ़ करता हूँ जाओगे थे बोलते मैं ऐसा नको माँ चीटी में लिख कर दे किसमें हाँ चीटी में लिखे हुआ सा औरत दस्तखत कर दी मैं उमर फारूक आजम को माफ़ किया मौला अली को वो चीटी देकर बोलती है अली तुम मेरे बड़े करीबी दोस्त हो ऐ अली मैं जब मर जाऊँ ना मेरे कफन में चीटी रखना खयामत में अल्लाह जब इस माँ की तरफ से पूछे ना इस माँ को तूने भूखा क्यों रखा उमर तो मैं अल्लाह को चिट्ठी बताकर कह दूंगा अल्लाह मैंने उसको राजी कर कर आया हूँ देख उसके दस्तखत भी मौजूद है ये अल्लाह वाले होते हैं हमारे पास है ये तफी ज़रा हम देखें इन बुजुर्गान दीन के किरदार इनकी सोच वसात और फरामत और हम लोगों के हालात देखें हम लोग कैसे जी रहे जर्रा कौन तो गलती करा तुम्हें छोड़ता नहीं से देख लेता नहीं से कहा नहीं करता हूँ जरा कुछ मसला जरा ऊंचा नीचा हो गया था माफ़ करने की आदत ही चल रही है हमारे पास आज माफ़ी का दामन ही नहीं हमारे पास हज़रत अब्दुल्ला सुमाई रहमतुल्लाह अलैह ने शर्तें रखे बोले अच्छी बात मैं कर लेता हज़रत शादी हो गई कमरे के अंदर जाने लगे खिलवत में तो जब अंदर गए हूरें भी जिनके हुस्न के सामने शर्माती हैं उस तरह हसीन खूबसूरत जमील और बैठी है इतना हसीन वाला जो पिराने पीर जैसे खूबसूरत बच्चे को जन्म दे तो उसकी माँ कितनी हसीन होती अल्हम्दुलिल्लाह
बैठते में डर गए ना, एक सेब कुछ खा लिया तो 12 साल छोड़े लेना, गलत कमरे में आ गया तो उत्तर में क्या करती क्या नहीं, बोल को झटके में फलटने में दीवार से सर लग को सर फट जाता हजरत का, फटे वो बड़ 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 खून जाता था, है तो भी खून गया तो भी छोड़ने तक हो जाती हजरत 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 क्या होगा गया क्या होगा खून हो गया क्या बच्ची मारी की क्या है। आजकल के भगवान क्या भी नहीं, जबकि उन्होंने भी अल्लाह की बहुत बड़ी वलिया थी, उम्मतुल जब्बार उनका लकब है, कुनियत है। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बोले कि क्या सर क्या हुआ, बोले हजरत वो सब छोड़ो मुझे कौन से कमरे में भेजेंगे, तो सही कमरे में करो, उसमें कौन की बेटी बेटी तुम्हें क्या की बोले, मतलब मेरी बेटी बात है, फिर तुम्हें बोले सो मैं बोला सो भी सही बात है, ऐसा वैसा हजरत उन्होंने ना हंदी है ना बोड़ी है ना कुंगी है ना बहरी है ना लूली है ना लंगड़ी है, इतनी हसीन खूबसूरत कि हूरे भी जिसके पास आकर हुस्न की खैरात लेती हूँ, इतनी प्यारी आप कैसे कर बोलते हैं, कहा बेटा मेरी बेटी कभी जिंदगी में किसी गैर मुहरिम के ऊपर नजर भी नहीं डाली इसलिए आंखों से अंधी है, और मेरी बेटी पूरी जिंदगी किसी गैर मर्द की आवाज भी नहीं सुनी इसलिए कानों से बहरी है, और मेरी बेटी कभी जिक्र खुदा के अलावा दुनिया के कोई कलमात किसी गैर मुहरिम से बात भी नहीं करी इसलिए मुंह से गूंगी है, और मेरी बेटी कोई गैर मुस्तअमल काम हाथ से नहीं की इसलिए वो लूली है, और कभी घर के बाहर कदम भी नहीं रखी इसलिए वो लंगड़ी है, दुनिया के एतबार से। तब माँ इतनी पाक दामना हो और बाप इतना मुत्तकी हो तो दोनों के मिले हुए संगम से जो चश्मा निकलता है दुनिया उसे अब्दुल कादिर जिलानी कहकर पुकारती है। सिर्फ बच्चों के ऊपर ना जाए कि बच्चे बिगड़ रहे हैं, देखो कि माँ बाप की गोद भी कैसी है, बच्चों की परवरिश माँ बाप के गोद का भी एक जरिया होती है, बाप मुत्तकी हो माँ परहेजगार हो तो बच्चा नेक बनकर पैदा होता है। हुज़ूर सैयदना गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह माँ के पेट में 17 पारों के हाफिज हो गए, क्योंकि माँ हर वक्त जब बच्चा पेट में था तो कुरान मजीद की तिलावत फरमाती थी। आज साइंस कहती है म्यूजिक सुनो क्योंकि इससे बच्चे को सुकून मिलता है, बच्चा आराम से रहता है, जो बच्चों को आप म्यूजिक सुनाकर दुनिया में लाएंगी वो बच्चा डांस मास्टर बनकर निकलेगा, जिस बच्चे को आप हाफिज़े कुरान कुरान पढ़कर पढ़कर हदीसे मुस्तफ़ा पढ़कर जिक्र खुदा पढ़कर जो बच्चे को दुनिया में लाएंगे वो अब्दुल कादिर का गुलाम बनकर पैदा। मेरी माँ बहनों बच्चों को आपके पास फैसला है, किसी कहने वाले ने बड़ा खूब कहा दुनिया में दो बड़ी अजीम चीजें हैं, दो बड़ी अजीम चीजें, एक जमीन एक औरत, पैदा करने की ताकत सिर्फ इन दोनों के पास है, जमीन पैदा करती है तो दुनिया सैराब होती है, माँ पैदा करती है तो घर का चिराग रोशन करती है। तो मेरी माँ बहनों सिर्फ पैदा करना ही काफी नहीं, जब हम बच्चों को स्कूल्स में डालते हैं कारमेंट्स में डालते हैं तो 1 से 4 स्कूल देखते हैं, ये स्कूल अच्छी है वो स्कूल अच्छी है, ये स्कूल में कैसा एजुकेशन है वो स्कूल में क्या है, तो टीचर आजकल क्या करें बयाना लगा कर रख डालते, मार्च का महीना होते मैं देखो हमारे स्कूल में पढ़े से बच्चों की इतना परसेंटेज आया उतना परसेंटेज ये परसेंटेज वो परसेंटेज, हम लोग वो देख देख को जाकर स्कूल में तहकीकात करके बच्चा पूछा जरा मुझे बताओ आपके पास चॉइस है ये स्कूल नहीं तो वो स्कूल में बच्चे छोड़ सकते हैं, बच्चे के पास क्या चॉइस है, अल्लाह ताला मुकद्दर में लिख डाला तुम्हारी गोद में चाहना है तो आपके गोद में चाहता, तो आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि आपके बच्चे को आप नेक बनाकर दुनिया में लाना चाहती हैं या दुनिया वाला बनाकर दुनिया में लाना चाहती हैं। जब अल्लाह तबारक ताला आपको वो इनाम वो तोहफे से नवाजता है तो आपको चाहिए कि कुरान मजीद की तिलावत करें, नमाजों की पाबंदियां करें, जिक्र अस्कार करें, ये असरात बच्चों के ऊपर मुरतब होते हैं। आज के डॉक्टर्स भी ये बात कहते हैं, जब आप इस तरह के माहौल के साथ बच्चों को दुनिया में लाती हैं तो वो बच्चों के ऊपर तो असर पड़ेगा ही, वो बच्चे मुत्तकी बनेंगे परहेजगार बनेंगे नेक सालिह बनेंगे। आप उसके अलावा गाने में फिल्म में ड्रामों में सीरियल्स में गाली गलौज में मारपीट में
धोखेबाजियों में, घर में परेशानियों में जब बच्चों को पैदा करेंगे, वो बच्चे भी फितनेबाज बनेंगे। फितने घर में लाएंगे तो बच्चे भी फितने बनकर निकलेंगे। आप जिस तरह का माहौल बच्चों को देंगे, उसी तरह का माहौल बच्चे पैदा करेंगे। लोग बोलते हैं साहब बच्चा बड़ा शरीर हो गया, किसने उसको शरीर बनाया? हम ये समझते हैं कि बच्चे को खाने का पूछें, बच्चे का कपड़े का देखें, स्कूल का देखें, बस यही माँ बाप की जिम्मेदारी। नहीं, बच्चे की एक एक चीज पर हमारी तवज्जो होना चाहिए कि मेरा बच्चा किससे दोस्ती कर रहा है, किससे बातचीत कर रहा है, कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है, कैसा उठ रहा है, कैसा बात कर रहा है। जहाँ जहाँ वो कोई गैर मुनासिब अमल करे तो फौरन उसको रोक दिए, उसे समझाएं। बच्चों को मारना नहीं, बिना मारे हुए समझा। मारते रहोगे ना तो बच्चे को ना मारो की आदत पड़ जाएगी। जो सैयदना गौसे पाक अलैहि रहमा की माँ कभी भी गौसे पाक पर हाथ नहीं उठाई। क्यों? जब माँ बाप अपना दिल मोहब्बत कलबी से भर लेते हैं तो अल्लाह फिर उनके बच्चों की हिफाजत फरमाता है। ये मोहब्बत कलबी होती है। ये चीज सब मुसलमानों के लिए, मैं यहां पर एक बात छोड़ा था, आप लोगों को बोला था, मोहब्बत कलबी हर मुसलमान का गोल होना चाहिए। अल्लाह की रजा हासिल कर, अल्लाह की मोहब्बत हासिल कर। सिर्फ बयानात में बैठना काफ़ी नहीं है मेरे अजीज़, बयानात से कुछ असर लें, उससे अपनी ज़िंदगियों को बदलाएं और जितना हो सके कुरान शरीफ की तिलावत करें। खुलासे कलाम, अल्लाह पाक ने कुरान मजीद बुरहान रशीद के अंदर बड़े खूबसूरत अंदाज से फरमाया है, वाअतसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअ वला तफर्रुकु, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो और फ़िरक़े ना बनाओ। तो अब मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ, मैं सवाल जवाब की तरफ आता हूँ। तो किसी साहब ने कहा था फ़िरक़े, मुझे तीन चार दिन से गालिबन ये सवालात मेरे दिमाग में थे, मैं बोला कि खुलासा करेंगे मौका आने पर। देखो, फ़िरक़ा बोलते हैं एक छोटे से गिरोह को, किसको? गिरोह को। और अहले सुन्नत व जमात फ़िरक़ा नहीं है, जमात है। 1400 साल से फ़िरक़े बोले तो सुन्नियत से निकले सवाल हमको फ़िरक़े बोले। कौन तो भी बोले भाई हमें तबलीगी जमात वाले, हमें अहले हदीस वाले, हमें जमात इस्लामी वाले, हमें फलाने, हमें फलाने। बोले तो तुम्हारे बाप दादा कौन थे पूछो? बोले हमारे बाप दादा मिलाद करते थे, सुन्निया थे भाई। सबका शीतला मिल को कहाँ जाकर मिलता? सुन्निया में। कहते सुन्नी फ़िरक़ा नहीं है, फ़िरक़े तुम्हें है। अल्लाह तुम्हारा को बोला फ़िरक़े नक्को बनाओ, हमा को नहीं, हमें पहले से 21 रस्सी को पकड़े हुए हैं। वाअतसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअ, अल्लाह की रस्सी को पकड़ में। तो अहले सुन्नत व जमात फ़िरक़ा नहीं है। नया घर बनाने से पहले या बाद में जानवर की कुर्बानी करना ज़रूरी है क्या? कोई भी ज़रूरी नहीं, ये गैर मुस्लिमों में रिवाज है। मैं कल भी ये बात बोला था, हमें गैर मुस्लिमों के साथ ज़्यादा उठना बैठना इतना हो गया, उनकी आदतों को भी हमारे अंदर ला ले रही। दोस्ती हालात के वजह से एक हद तक करो, जायज़ है, लेकिन बेफजूल दोस्तियाँ गैर मुस्लिमों से जायज़ नहीं है। क्योंकि गैर मुस्लिमों की दोस्तियाँ इसीलिए जायज़ नहीं है क्योंकि अब जो असरात, मनफी असरात जो उम्मत पर पड़ रहे हैं, ये यही दोस्तियों का नतीजा है। बहुत से मेरी माँ बहनें भी औरतों से ज़्यादा, गैर मुस्लिम औरतों से ज़्यादा दोस्तियाँ करती हैं। मनफी असरात इसमें, दीन तबाह हो जाएगा आपका, अकीदा तबाह हो जाएगा। जानवर गैर मुस्लिमों में तरीका यह है कि वो जब भी नई चीज़ बनाते हैं, उनके दिमाग, उनके पास एक तस्वीर होता है कि कोई भी चीज़ या कोई भी काम करो तो पहले बलि दो, ताकि जो भी परेशानी जो भी ये है, काली का देवी कुछ है उनकी, कुछ देवता, तो उनका एक अकीदा है कि उनके नाम से बलि दो तो सब अच्छा होगा। तो यही रिवाज जो हमारे मेस्त्री हजरा, जो हिंदू हजरा जो हमारे घर बनाते हैं, जो ये लोग रहते हैं, उनकी डिमांड भी रहती है। क्योंकि बार बार मैं देखा भी हूँ कि जब लोग हमारी बातें सुनकर कुर्बानी देने से मना करते हैं तो वो लोग ज़्यादा डिमांड करते हैं कि नहीं भाई हमें को बलि देना चाहिए, क्योंकि उन लोगों को गोश्त मिलना। बोला भाई तुम्हें ऐसा ले ले जाओ, तुम्हें हमारा घर बनाए खुशी की बात, तुम्हें एक बकरा दिलावा तो ले ले जाओ घर को, लेकिन मेरे घर में काटने की इजाज़त नहीं है। तो लोग क्या करते हैं, काटते हैं, फिर वो खून लेकर घर में मारते हैं दीवारों पर। क्या संदल गया भाई मारने वास्ते? वो खून ही छे नापाक,
नजासत पाक चीज पर घर नया घर बनाया, तुम्हें खून मार को घर की शुरुआत करे तो हमारे पास खून का मियार शयातीन की तरफ है। जो घर में जो कारोबार में तुम्हें खून मार को ओपनिंग करती हूँ, मतलब आप शैतान को तुम्हारे घर में इन्वॉल्व करती हैं। घर को खून मारे सर, घर में बुला को कुरान की तिलावत रखेंगे, तुम्हें कुरान की तिलावत नहीं, कौन सी तिलावत रखे तो बरकत आदमी, हाँ गंदा काम कर दो। खून नापाक है, निजस है, क्या है खून, क्या है नापाक है। तो इस तरह की हरकत नहीं करना, देने की जरूरत नहीं। हाँ ये खुशी है, हमारे पास एक रिवाज भी है, जो चीज़ सही है उसको सही लेना, जो चीज़ गलत है उसको छोड़ देना। अब जो चीज़ों में जो रस्म व रिवाज में थोड़े मिलावटा है उसे सही कर ले को लेको चल सकते, वो आपको अहले इल्म से। अल्लाह क्या बोला है कुरान मजीद में, फसअलु अहले ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून, जिस बात का तुम्हें इल्म नहीं अहले इल्म से पूछ लिया करो, मालूम कर लिया करो। अल्लाह इल्म नहीं तो पूछ लो, किसी पूछ लेना, गाँव में अल्हम्दुलिल्लाह साहिबा है, पलगाड़ी वाले साहिबा है नहीं, पलगाड़ी वाले साहिबा है, साहिबा छे नहीं गाँव में, हैं तो आराम से आपको पूछ लो, सास सी, ससरे सी, भाऊ सी, नाथी सी, खाला सी, क्या बोलते हैं सहेली सी, इनसे मसले पूछना नहीं। दिन क्या दिन चल जाता, तुम्हारा भी जाता उसका भी जाता। ये मसले सब किसे पूछना, जिनके पास कुरान और हदीस का इल्म था। कोई भी मसला साहिब इल्म जब बोलता है तो कुरान और हदीस को नज़र में रख के बोलता है, समझ शरीफ में। अब इन सब क्या करती है, फिर ठंडी क्या करें, ठंडी में क्या करें, अच्छा अच्छा ठंडी गिंडिक में क्या भी नहीं माँ। सबसे पहली चीज़ याद रखो, नया घर बनाया तो इसमें खुशी यह है कि हमारा नया घर बना है तो लोगों को बुलाकर आप खिलाएं। इसमें जानवर आप ज़ुबा करना चाहते हैं तो अल्लाह की बारगाह में शुक्राना के तौर पे ज़ुबा कर सकते हैं कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि, क्योंकि अल्लाह की बारगाह में जब भी हम शुक्राना अदा करते हैं तो जानवरों की कुर्बानी देते हैं। बच्चे पैदा हुए तो हकीके के जानवर, बकरीद में अल्लाह हमारे साहिब माल अता फरमाया, साहिब निसाब बनाया तो अल्लाह की बारगाह में शुक्राना, अल्लाह हमको दौलत दिया उसके बाद से कुर्बानी, तो कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में दे सकते हैं। तो घर के शुक्राने पर भी कुर्बानी दे सकते हैं, देकर सबको पकाकर खिलाकर आप आराम से कर सकते हैं। इसी कुछ बल्ला जी ने ठंडिक बोल दी। ठंडिक करना ना फ़र्ज है, ना वाजिब है, ना मुस्तहिब है, अच्छा भी नहीं ख़राब भी नहीं, करे तो सवाब भी नहीं, नहीं करे तो गुनाह भी नहीं। बल्ला जी ने उसे करना सच करना क्या अरे ठंडी करा नहीं करे, ठंडी करना इम्पॉर्टेंट, तुम्हें मिठा रखो, पूरे नबियां को हमारे नबी को गौसे पाक को सबके नाम से फाते लाओ, मिठा बाटा डाले तो भी ठंडी फैदी। और एक इसी ताल्लुक से एक मसला अब एक मजीद में बताऊँ, नवे घर में गए तो या को से तो घर पहुँचे तो दूध उबालना, 100% ये हिंदुओं का तरीका, किनके घर में है ये बोलो, हिंदुओं का। हमें किस पर ईमान लगते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हमें कौन मुसलमान, हमें जहालत को ख़त्म करके इल्म की नूरानियत से लोगों को हिदायत देने के वास्ते ऐसे लोग आना, हमें ऐसे बेवकूफ काम करना नहीं। दूध उबालने से क्या होता भाई, उबालना होता क्या मालूम, राखे से स्टोव को बड़ 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 लावा उबलेना, उबल को पूरा चूल्हे पर सब सत्यानाश आना, फिर कैसे चींदे लग पोसे वो पोछने का तो उबाल को गिरेंगे ही, क्या कहते क्या तो बला है तो जाति करे, कौन बोली तुम्हारे नबी बोली, गैब की खबर नबी बोले तो इतने क्या मालूम होने का, बोले नबी। एक बुजुर्ग के पास एक जने आकर पूछी, हजरत मेरे वास से क्या तो नसीहत करो बताओ, हजरत क्या बोलते मालूम, अल्लाह बनना को नबी बनना को इंसान बन को होगी, बहुत दूर उनको समझ में आया नहीं, हजरत क्या होगा तो बल्ला जने कोशिश करती कि खुदा बनना मैं, नहीं बोले तो नबी बनना मैं, मसलन क्या मैं क्या बोल दूँ कि वो होना, ये सिर्फ अल्लाह की जात है, जो वो कहता है वो होता है, उसके अलावा पैगंबर बोले तो भी अल्लाह ताला कहीं ये नहीं तो अल्लाह ताला उन पैगंबरों को भी रुका देता है कि दुआ मत करें इनकी तरफ से, सिर्फ अल्लाह की शान है जो वो कहता है कुन फयकुन, जब वो कहता है हो जा तो वो हो जाती है।
तो बहुत से लोग कहते हैं क्या बोला तो होना, तू अल्लाह क्या तुम्हें बनना नहीं। और एक रसूल अल्लाह मेरी बात सुना नहीं, मेरे बात के खिलाफ गया, मेरी बात को काटता है, बड़े दिमाग तो ऐसा बोलता है, तो कुरान हदीस कहीं का बोलता है। हमारे से ज़्यादा मालूम क्या रहा है, आजकल के बच्चे बोटे हमारे से ज़्यादा मालूम क्या था तुम्हारा, क्या मालूम नमाज के मसले मालूम, वजू के मसले मालूम, हक्कानियत अकायदे दीन मालूम, क्या मालूम फिर बच्चे से क्या चैलेंज करती हैं तुम्हें। तो ये नबी का दावा, कौन भी नबी के शान में गुस्ताखी करके नबी की बात को इनकार करे तो उन काफिर। हम लोग क्या करते हैं, हमारी बात कौन तो बच्चा पसंद आना को लिया निकल ले हो गया जहन्नम में गया, काफिर भी नहीं बोलते बोलते हैं। तो ये नसीहत हमें याद रखो, दूध उबालने की कोई रस्म की हकीकत ही नहीं है। मैं पहले कल भी बोलूँ एक बात, बड़े अजीज़ बड़े माजरत के साथ तुम्हें मेरे मेरी बातें सुन को अमल करती नहीं करती, वो मेरी ज़रूरत है, दो तीन आदमी अमल करे तो बस अल्लाह ने मेरे लिए मगफिरत का ज़रिया बन जाता। लेकिन मैं एक बात याद रख, लॉजिक ज़्यादा बात करूँ, तुम्हें जो काम करती हैं वो सब कुछ सामने रखो जो तुम्हारे बड़े दिन हुए। इसमें लॉजिक क्या है कि ज़रा देखो, इस्लाम लॉजिक पर चलता, इस्लाम का लॉजिक है, दलील होती है हर एक मसले को, हक्कानियत। हमें कुफ्रस्तान के अंदर भोको बल्ला के गैर मुस्लिमा की आदत हमारे अंदर ला ली, गोया के हमारे आदत उनके अंदर जाना सो उनकी आदत हमें ला ली, बल्ला की चीज़ हमें दूध उबालना, खून उछालना, और खून साफ ही करना नहीं, दो दिन तीन तीन दिन तक कई को होता वो अक्का देवदल को सबको बुलाते सब उन्हें आँखों चाटते थे। हकीकत हो अकीदा लोगों में, मैं बारहा बोलने बात साहब बल्ला का बोलती लोग थे, मैं बल्ला का कहीं बोलता हूँ, मैं जो है वो बोलता हूँ, चले तो तुम्हारी भलाई, ने खयामत में पुकार देता हमें भी देखकर, अब तुम्हें क्या बल्ला का पुकार नहीं देगा, जाएगा या खयामत में जहन्नम में हमें भी। आखिरत सबसे बड़ी चीज़ है, दुनिया में जो समझ गए उस पर चले तो आखिरत और दुनिया दोनों महफूज है, नहीं बोले तो तबाह है। औरता में अकीदा भी मजबूत, बेईमानी भी मजबूत, जरा जल्दी लागू दे दे होगा। और दूसरी बात कभी भी याद रखें, इस तरह के कोई खुराफात नहीं है, आप फातिहा दिलाएं और कुरान जब भी नए घर में पहुँचें या कोई किराए के घर में जाएं तो सबसे पहले सूरह बकरा की तिलावत करें। इसकी सूरह बकरा, सूरह बकरा बोले तो तीन पारे पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी, मैं सूरह बकरा में से चनायता पढ़े तो बस है, अलिफ लामिम पढ़े, उलाई का आला आप वहाँ तक पढ़ लिए काफ़ी है। फिर उसके बाद आपको आयतल कुर्सी, फजकुरूनी आयतल कुर्सी, फिर उसके बाद आमन रसूल, बीचा में के जरे जरे पढ़ लिए तो सूरह बकरा की पूरी बरकत मिल गई। अल्लाह के रसूल जो फरमाएं कि जिनके घरों में शयातीन का असर रहता सूरह बकरा पढ़ लो निकल जाता, इससे मुराद पूरी सूरह बकरा नहीं है, सूरह बकरा पढ़ो उसमें से चंद आयत पढ़े तो भी बस है, आया समझ में, आवाज़ से पढ़ो पढ़ने। और दूसरी बात, नए घर में जब पहुँचाओ तो जितने कोने हैं तुम्हारे घर में हर कोने में अजान दो, कुछ परेशानी है तो भी ख़त्म हो जाती। और आप आयतल कुर्सी ये सूरह बकरा पढ़कर पानी में दम करके छिड़का मार दो, काफ़ी है, आपको कौन से भी बड़े बड़े काम करने की ज़रूरत नहीं, बिरयानी खिलाने की ज़रूरत नहीं, आपके पास माल नहीं है तो कौन भी तुम्हारा ज़बरदस्ती करने का, बाखाया ले लेको, ब्याज को ले लेगा, बकरा काट को आदमी से भी खड़ा हो, तो तुम्हें अच्छे हो, माल है, पैसा है, ताकत है, तब दावत दो, नहीं ताकत नहीं है तो एक पड़ी आधी पड़ी पका को गली में के बच्चा बुला खड़ा डालो, ठंडी हो गई। ठंडी करना कोई फ़र्ज़ वाजिब सुन्नत भी मुस्ताहिब भी नहीं, अच्छा भी नहीं, और गुनाह भी क्या भी नहीं, करें तो छोटे बच्चे नींद में जाकर रोते हैं इस तरह के किसी चीज़ से डर गए हैं, उस वक्त बच्चों को चुप करवाने के कोई आयत है। हाँ बच्चे रात में सोते खो तो उठ जाते हैं, अब किसी की देख को डर गए सका चीखा मार रोते थे, तो बच्चा चुप कराने क्या करूँ, उसे चुप कराने के वास्ते जब मेरे बच्चे ऐसा रोते थे, मेरे एक ज़ाती फार्मूला मैं आपको बोलता हूँ, जब मेरे बच्चे ऐसा रात में रोते थे तो उनको मैं खंधे पर डाल लेता हूँ, कुरान मजीद सूरह यासीन या अलहम शरीफ, आयतल कुर्सी या सूरह यासीन आती है तो अल्हम्दुलिल्लाह यासीन शरीफ, थोड़ी आवाज़ से जिस तरह अपना बच्चा सुने वो पढ़ते हुए बच्चे को इस तरह हलाते हुए घर में टहले, खुद ब खुद वो बच्चा थोड़ी देर में सो जाएगा। एक दूसरा,
बच्चे नजरे बद के वजह से भी रोते हैं तो उनके लिए चाहिए इन्ना आतैना कल कौसर का सूरा अव्वल व आखिर तीन तीन मरतबा दरूद शरीफ पढ़ को इन्ना आतैना कल कौसर का सूरा बिस पर एक मरतबा या पाँच मरतबा कम से कम पढ़कर बच्चों को दम करें, इससे नजरे बद ख़त्म होती है। इस तरह करें तो वो भी बेहतर है। और बच्चों को कभी भी रात में सोते वक्त या कहीं भी मगरिब के बाद कोशिश करो कि मगरिब के बाद बच्चों को घर के बाहर ना भेजो, क्योंकि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना करी मगरिब के बाद बलायाँ उतरते उसको बच्चा बाहर भेजना नहीं बोल सरकार। कोशिश करो कि मगरिब के बाद बच्चे बाहर जाना नहीं, अगर से जाने का छे तो बच्चों को अलहम शरीफ, ऐतल कुर्सी, कुलुल्लाह शरीफ और पांच दरूद शरीफ दम करके बच्चों को कूप को भेजो, बाद में अल्लाह ताला उसका हाफिज रहेगा। और बच्चों को रात में सोते खुद भी अलहम शरीफ, ऐतल कुर्सी, कुलुल्लाह वहद तीन मरतबा या चारों कुल तीन तीन मरतबा पढ़कर बच्चों पे दम करें, इससे क्या होता नजरे बद, शयातिन के असरात, कोई जादू वगैरह के असरात भी मनफी असरात है तो भी ख़त्म हो जाते बच्चों को। तुम्हें भी दम कर लो, बच्चों को भी दम करके सो जाओ। आज दुनिया महफूज नहीं हजरत, हर कोई नजरे बद का शिकार है, हर कोई जादू बलाओं का शिकार है। इसलिए रात में सोते खुद मेरे नबी का वो फरमान है सूरह फलक सूरह नास, इस तरह हाथा मुट्ठी बांध लो, सूरह फलक सूरह नास एक मरतबा पढ़ो, दो हाथों में दम करो, पूरे चेहरे को पूरे जिस्म को फेरो जहाँ तक हाथ आ जाती, ऐसा तीन मरतबा करो। इस तरह करने से जादू का कितना बड़ा असर है कभी जायल हो जाता। अगर से किसी को जादू हो गया है उसके असरात आ गए, उसके असरात क्या, नमाज पढ़ने नहीं हो रहा, कुरान पढ़ने नहीं हो रहा, हौल हौल शुरू हो जा रहा, परेशानी आ जा रही, नींद में बुरे बुरे गंदे गंदे ख्याल आ रही, तो ये जादू के असरात की वजह से भी होता। तो आपको कुछ ऐसा इम्कान दिया तो सूरह बकरा पूरा सूरह पढ़कर अव्वल व आखिर तीन तीन मरतबा दरूद शरीफ पढ़कर एक अलहम और पूरा सूरह बकरा पढ़कर आप पानी में दम करके रोज़ ज़रा ज़रा पी लो, आपका असर पूरा आपकी गिलाजत के साथ ज़ाया हो जाएगा। बदन का बूढ़ों की कहावत कही गए हैं, बच्चे हैं कहावत है कि बच्चे रात में अल्लाह के ये मसला ये समझ में आया, कौन लिखेंगे क्या रे भैया, दूसरा मसला कौन लिखे सो ना, कौन के बुढ़े में बोल देंगे थे बच्चे रात में अल्लाह का ने मजदूरी कर देंगे थे, वो करने का था हमें घर आमज करा लेते हैं, बच्चे काम करने वाले थे हम काम बच जाते नहीं करने, अल्लाह का ने रात में मजदूरी कर दी है ना जाने क्या क्या की बोलते हैं बड़े में, बच्चे नींद में सोए तो भी थोड़ी देर बोलते हैं बच्चे मुस्कुरा दी बोले तो क्या कि फरिश्ते उनको खुशखबरी सुना दी बोले, तो बच्चे की मादरी फितरत है भाई, सोते को तो उन्होंने मुस्कुराती थोड़े बहुत सीरियस होती थोड़े बहुत चीखा मारती हंसती मुस्कुराती बच्चा उन्होंने मुस्कुरे तो अल्लाह ताला उनको जन्नत दिखाता है खाद में, उनको क्या मालूम बच्चा को जन्नत दिखाता, बुढ़े हैं कौन क्या कर सकते हैं, पूरे मदरसे झलाता रखो उसकी राख लगा बुढ़े काम रखना, ये दलीला हमें क्या भी असल अक्ल भी काम आती नहीं होश भी काम आती नहीं, ऐसे ऐसे दलीला। अफसोस की बात क्या करता आजकल की नौजवान नस्ल भी ऐसे में चल रहे थे भी क्या करती है तो चलना से ढकते हैं डरा डरा को, नहीं तो तेरे घर को आते। परसों भी एक मेरे घर में मसला आया, हमारे एक थोड़े खास हद में परसों उनके घर में मैयत हो गई तो क्या करें, चहलो आपको बकरा काटना सोच क्या बोली चेहरे को खून जाना था, बकरा गया तो अब्बा जाने क्या करें डरें भी मैं आती नहीं तुम्हारे हराम को काटे नहीं तो बकरा को सके भी, तो ऐसे कुछ रिवाज चहलम का रिवाज ही नहीं है हमारे इस्लाम में, चहलम ना फर्ज है वाजिब है ना सुन्नत है, ये हमारे बुजुर्गान दीन अकाबरीन जो बुजुर्गान दीन है एक तरीका रखी 40 दिन तक मैयत की तकलीफ बढ़ती थी क्योंकि हदीस मुबारक के मुताबिक 40 दिन तक उसके ऊपर अजाब होता या 40 दिन के अंदर उसका जिस्म पूरा गल को सड़ जाता, तो ये 40 दिन का पीरियड गुजरता तो हर एक 3 दिन को एक बार 10वें को 20वें को 40 दिन को, तो ये तरतीब जिक्र बच्चे जाको उनको उनके वास्ते ईसा अलैहि सलाम करना खुराना पढ़ना ये पढ़ना ये तरीका रखी बड़े में, इसे हमें क्या बना ली एक रिवाज बना ली, चहलम कंपल्सरी करना लीला करेंगे ना चेहलम करे नहीं करते अच्छा ले भाई उसके ने सौरत ना हो करा नहीं गया तुम्हारा क्या हुआ, चेहलम करना तो फर्ज है कर
क्या भी नहीं, लेकिन क्या करना अच्छी चीज़ है, बेहतर है। यह ईसा सबाब का जो मामूल चहलम का है ये बेहतर है, अच्छी चीज़ है, लेकिन हम लोग उसे ज़्यादा ये करते रहे। कभी भी याद रखो चहलम को भी ऐसा, ये बात आ सब कब आती, जब कभी इल्मी हमारे पास आती है, दीन की मालूमात हमारे पास नहीं होती, तब ये सब बातें आ जाती। और पाप उनको भोले अदमियान, उनको ये भी मालूम होता नहीं कि हमें बात करते तो बातों से हमें मुसलमानों से भी निकल जाती, नहीं मालूम होता, इस्लाम से खारिज हो जाती का तो भी मालूम होता नहीं, इनको मालूम होता नहीं, खबर में कहीं वैसा डायरेक्ट अजाब होता था इनको, क्या था सवाल सवाल क्या साहब को सवाल जवाब होती मोलिंग कहाँ होने का था, वो मुसलमान होने का काफर होने का था, पर वो फरिश्ते बोलते मैं काफर कहेगा भाई मैं मुसलमान, मैं नमाना पढ़ती थी वो पढ़ती थी, तो मर्द को काफर की मदद मरी बोल फरिश्ते। इतने भोले आदमी हमारे मुँह से ऐसे अल्फाजात इस्तेमाल करवा दी कि इस्लाम से खारिज हो जाते। तो ऐसे चीज़ों को हम लोग बेहतरी के साथ समझना और बड़े इसके साथ समझना, ये कोई मसले नहीं है भाई। और इंशाल्लाह और कुछ सवालात है आपके तो आप लोग आराम से लिखकर जवाब हासिल कर सकते हैं। और याद रखो इल्म पूछने से मिलता, मालूम कर ले तो। अब साहब कहेगा कि भाई हूँ बोल दी नहीं, जो साहब को तड़प है आप लोगों की आखिरत की, क्या आप लोग दुनिया में भी और आखिरत में भी सलामती के साथ रहना, हमारी दुआ है। इसके वास्ते जो सच है वो बता रहे हैं आपको, आपको सुनना पसंद नहीं है तो आपको ये पसंद है कि आप जहन्नम में जाना पसंद है। आप अपने आप को सुधार, हर इंसान से गलती होती, इसका मतलब यानी गलती को मालूम कर ले को उसे सुधार लेने वाला इंसान। मैं सुधरती नहीं, मैं सुनी तो उन्हें बोले तो मैं कहीं चलना, मेरा ईगो सुनता नहीं, मैं झुकती नहीं, मैं ये करती नहीं, कहता झुके नहीं तो भी झुका दी, हाँ फरिश्ते जहन्नम में। तो इन तमाम चीज़ों से बचें इंशाल्लाह, ये खुराफातों से बचें, ऐसे कोई खुराफात नहीं है, इन तमाम पहलुओं से बचें। ये बड़े बड़े मसले हैं, मैं बल्ला के बार बोल चुका, फिर बार बार वो मसले दोहराना भी मुझे पसंद नहीं आता। आप लोग उन मसलों पर ख्याल रखें। मैं लाल किताब के बात बोल रही हूँ, ये लाल किताब बोले तो कहाँ है कहते बोलेंगे, मैं पहले भी बोलता था लाल किताब सही में है कहते लाल किताब, मैं खाली वो लाल किताब की बात करता हूँ मुड़ नमक आलोदी ने वैसे समझा था, नहीं सही में है लाल किताब। तो ऐसे उड़ती हुई दलील नहीं, हमें अहले सुन्नत वाले, हमारा अकीदा मजबूत, हमें दलाइल के साथ काम करना। अल्लाह पाक हमें तौफीक अता फरमाए सही मानों में समझने की, दिनों हक पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन वाखुद अलहमदिल्ला। कल अहले बैत तहार के ताल्लुक से उनवान रहेगा इंशाल्लाह, अहले बैत से मोहब्बत करना किस तरह उम्मत मुस्लिमा के लिए लाजिम है, क्या है हदीस शरीफा के साथ मैं नोट करूँगा। और कोई भी मसले है तो आप लोग जरा पहले मुझे पहुँचा दें, और इल्मी मसले पूछो, छोटे छोटे मसले, खुराफाती मसले ये भी पूछ सकते हैं, हर मसला भी पूछ सकते हैं। तुम्हें एक जने पूछे बल्ला जने डर के मारे पूछ सके नहीं, इसके बाद से मैं चीटियाँ बोला सर, इसमें नाम होता नहीं, कौन पूछेंगे मालूम होता नहीं, पूछे सवाल आएंगे मालूम होता नहीं, चू मालूम है आपका मसला। तुम्हारी एक जने से जितने जने वो मसला मालूम होगा, कितने जने वो काम से बच जा देंगे, वो पूरा सवाब वो पूछने वाले हमें पहुँचता, सवाब जारी आए क्वेश्चन आंसर। तो ये पूछ ले तो इंटरेस्ट भी होता बोलने वाले को, मेरे भी इल्म में इजाफा होता, तुम्हारा बोल ना बोल को आज क्या पूछ सिंह बोल को मैं भी ज़्यादा पढ़ता हूँ, तुम्हें भी ज़रा अच्छा काम कर सकते हैं। तो आप भी जरा घर में बैठ कर क्या करना, कल शाम तक मेरा काम वाक़ियात पढ़ते है ना, तुम्हारा काम क्या है ना, ये सवाल पूछना पूरा डायरी बनाओ, कितने क्वेश्चन आएंगे सब चढ़ा डालो, ये 11 दिन में निपटा डालेंगे पूरे सवाल। तुम्हारे यहाँ बैठे बिठाए मदरसे का इल्म देखो जाता हूँ। अल्लाह पाक तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।